सुनीता अभी राव। सुना, अभी अरे सुना। चलो श्योर आप गूगल करना, बहुत प्यारा गाना है। श्योर। आशिका कैसे हो? ऑल गुड हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू। मेरे आसपास ना एक मक्खी घूम रही है और वे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पता नहीं मेरे से क्या है, आसपास घूम रही है। ऐसा हुआ आपके साथ, एक ही मक्खी बार बार आपके आसपास मंडराती है जब? आप स्वीट हो ना, इसलिए स्वीटर थिंग्स पे आती है। ओफो लगता है कि भैया जब आज लास्ट दिखती डे रहती है तब और तक पेवल ठीक है। देने आई है, पेवल ओ अच्छा, क्या बात देने आई आज। मैं अरे बच मैं मेरे को बच के रहना पड़ेगा यार। पियानो की आवाज कहाँ से आ रही है? शेरी भाई? अनूप जी नहीं गा सर, रहे मेरे हैं। पास से आ रहा। अच्छा वाह, हारमोनियम है ये, पियानो है ये? की अरे की गिटार है। गिटार? अरे वाह, कैसे हो? उकली उकली। ऑलराइट गाइस, वी आर लाइव ऑन फेसबुक। यस लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन। दोस्तों आज कार्निवल डे 4 है पब्लिक स्पीकिंग का, और हम लोग थोड़ी देर में बस शुरू करने वाले हैं अपना पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी कार्निवल डे 4। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म ऑफ एमएस टॉक्स। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त जी जे गौरव जैन, और आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। मेरे ख्याल से अभी कुछ लोग आने वाले हैं, ऑन द वे हैं, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे, तो हम थोड़ा गला शला कर लेते हैं। एंड हरी भाई, क्या हाल चाल? ऑल गुड ऑल आपके गुड। साथ जैसे थोड़ी बहुत ना पंजाबी आ गई है, ऐसी तुसी लसी पिसी। सो ग्रेट टू सी सो मेनी लवली स्माइलिंग फेसेस। सुभाष जी वेलकम, सुस्वागतम, ग्रेट वेलकम टू सी यू, सुभाष। कैसे हैं आप? ग्रेट, अरे ब्रिलियंट। इज इट रेनिंग ओवर देयर इन इन मुंबई? शिखा यहाँ तो बहुत सुबह से इट्स रेनिंग हैवीली ओवर हियर। यस यस, इट्स बीन रेनिंग, इट्स ब्यूटीफुल हियर दो। अभी थोड़ी रुक गई है, इट्स ओके स्टॉप फॉर सम टाइम। ओके। हाय अर्चना, रेनू जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू शेरी सर। गुड सर, हाउ आर फाइनल, यू यू एक्साइटेड? आज आज बल्ला टली आज। माय पीसी गॉट हैंग्ड। उफ नहीं, ऐसा नहीं, कोई कर ली बट थोड़ा तो जरूर आई डोंट थिंक ऑथर होना। शेरी विल एवर कॉल पब्लिक स्पीकिंग नू बला, इट इज हिज पैशन, सो आई एम श्योर द मोर ही इज वेलकमिंग दैट वे। या नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। दिस गर्ल जस्ट राइट। ओके ग्रेट, वेलकम श्रुति, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड थैंक यू, लुकिंग गुड। हाय अर्चना, How are you, sir? I'm good. How are you, Arshana? कैसे हो आप? I'm good. I'm really here in Mumbai. All sudden, everywhere. तो कारा मैम पूछ लो। हाँ जी, sorry. सर कारा मैम को भी पूछो, how are you? She is also looking very nice today. मतलब आपसे तैयारी करनी है, झगड़ा करवाने की है, ओपन। Yes. ओके, हाय सरनजीत, हाउ आर यू? बट आपकी साजिश पूरी नहीं होगी, डोंट वरी। यू ऑल एवरीवन, गौरव, आई गेस वी आर ऑन टाइम, लेट्स वेट फॉर अनदर 1 मिनट एंड लेट्स कमेंट, व्हाट डू यू से? गौरव आर यू देयर? Gaurav, I guess Gaurav's screen has been stuck. Yeah, he's out. Yeah, he was stuck, right? Hi Anu, कैसे हो आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। आज आज आप कुछ नगमे सुनाने वाले हैं? जी सर, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों का दिल जीतने का।
मक्खी परेशान कर रही है मुझे और एक मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है. So let's get started. Okay. So दोस्तों, we are starting with a lovely music performance by the rock star of Agra, Anoop Singh. Let's get started. Over to you, Anoop bhai. Thank you, Gaurav sir. Thank you. My name is Anoop. I am from Agra. Thanks to author Sari sir and whole MX Talks team for giving me a chance. Wonderful invitation. थैंक यू सर. और आइए मैं आपके लिए कुछ एक सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ आपको सभी को, पूरी MX Talks की टीम के लिए. एक बार जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं एक बार तालियां बजा दीजिए. वेलकम वेलकम, क्या बात है. थैंक यू सर. एक मैशअप है एक रोमांटिक सॉन्ग्स का, मैं आपको देखती हूँ. निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू. ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी बजा, जो दिल की आरज़ू तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं ऐसे हमको गिले तुमसे, न जाने क्यों मीलों के है फासले तुमसे, न जाने क्यों कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना भाई, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए. तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना. Sharing the scene and silent part up on the ocean counting. Shining in the sand and sun like a part up on the ocean, come hear me, oh hear me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में हद से ही चाहत के हाँ सपने संजोता था, पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है हाँ पहले न होता था. तेरा खोने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ. ये चांद सा रोशन चेहरा, सुल्फों का रंग सुनहरा, ये दिल सुनी ले आके कोई रात गैन में गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. एक चीज कयामत भी है लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के हमने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे. है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसे बला का जादू, सौ बार संभाला दिल को दिल हो के रहा बेकाबू. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया,
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। और सैरी सर आपके लिए, मैं चट यमला पगला दीवाना ओ रब्बा इन्नी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार करती है सडे उत्ते वो मरती है। कौन है एवरीवन? कि ओ मैनू प्यार करती है सडे उत्ते वो मरती है, मैं चट यमला पगला दीवाना तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो शर्माना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। उड़ता ये पेरो इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दो आसमां और जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। ओ, ओ, ओ पहला नशा पहला गुमान, न प्यार है न इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हा, दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। मैं हूँ जुम 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 रूप अक्कड़ बन के गुम गुम, मैं जो प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर मैं दुनिया से बेखबर बीती बात पे धूल उड़ाता चला। ए गिले 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 कई सारे प्रोफेशनल शोज करते रहते हैं एंड ग्रेट टू हैव यू अनूप भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, व्हाट अ ग्रेट म्यूजिकल स्टार्ट वी हैव। ऑलराइट दोस्तों, अब टाइम आ गया है हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, और एक बड़ा जबरदस्त हमने म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखा, और आज है हमारा यूनिवर्सिटी का कार्निवल का डे फोर, फाइनल डे, ग्रैंड फिनाले। और एक प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं थैंक्स के साथ शुरू करना चाहूंगा ऑथर शेरी सर को, क्योंकि इन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और सभी को मौका दिया कि हम लोगों के अंदर जो हिचक होती है पब्लिक स्पीकिंग की, जो इन्होंने एक हमें असाइनमेंट दिया 30 डेज का,
कई लोगों में इतना जबरदस्त निखार आया और हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 3 दिनों में देखा जब यहाँ पर लोगों ने अपने 3 मिनट के टॉक में दिया, और आज भी हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देने वाले हैं। और आइए जानते हैं थोड़ा सा ऑथर शेरी के बारे में, और काफी लोगों को पता है जानते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि ऑथर शेरी के बारे में जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता हम जानते हैं। सो ऑथर शेरी ही इज वर्किंग एज अ रिनॉन्ड पब्लिक स्पीकिंग कोच एंड टेक्स्ट स्पीकर कोच। इन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन करियर में ही हैज हिज क्लाइंट्स हैव यू नो वर्किंग विद फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, एंड ही हैज विटनेस्ड मोर देन 5000 पब्लिक प्रोफेशनल स्पीकर्स लाइव ऑन स्टेज। वाओ। सो प्लस ऑथर शेरी ही इज 3 times नेशनल अवार्ड विनर एंड इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग कोच, कमेंडेबल। प्लस ही इज 3 times international TEDx speaker, 3 times Josh Talk speaker, and he belongs to a family of 3 generations of authors. His father, him, his daughter, amazing family. Now, another thing is 220,000 plus followers on social media handles. Guys, this is really crazy. And it's not easy. It's not a one day thing. Take lot of time, over a decade, you know, he has earned all this stuff. And he is recently awarded as International Star 2020 by World Book of Records London, featured on BRAC magazine in USA as an International Influencer of the Year 2020, Progressive Sikh of the Year Award by YPSF in association with PTC Punjab, Acharya Chanakya Award declared Best Public Speaking Coach in the country. He is Achiever Award for Best Public Speaking Coach in the country by Shri Manoj Tiwari. थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। दोस्तों बहुत सारी अभी चीजें भी हैं, बहुत last but not the least, author Sherry, मतलब मुझे बड़ा अच्छे खुशी होती है कि he is on a mission of creating 1 million speakers by 2030. और दोस्तों ये जो अभी 100 speakers हैं ना, 100 plus ही, ये हम सारे base हैं। मतलब अभी देखिए इसके साथ में ही हम लोग एकदम हमारा कारवां शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और काफी लोग जुड़ते जा रहे हैं, और हम लोगों की बहुत मतलब आई एम फील ब्लेस्ड वी आर ऑल एबल टू कंट्रीब्यूट इन हिज मिशन, सच अ ग्रेट मिशन, राइट। एंड अपने देखा होगा, मैं ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जानबूझ के, ही रिसेंटली इन दिस 30 days ही इज इवैल्यूएटेड ओवर 2500 वीडियोस। नॉट अ जोक फ्रेंड्स, हम लोग एक वीडियो देखते हैं YouTube में, थोड़ी देर देखते हैं, हमें एकदम सर में दर्द हो जाता है, चकनाने लग जाता है, बट दिस जेंटलमैन, दिस मैं तो क्रेजी बोलूंगा इनको, दिस क्रेजी जेंटलमैन ऑथर शेरी, एंड ही इज अ ग्रेट मेंटर टू एवरीवन, ही हैज इवैल्यूएटेड ओवर 2500 वीडियोस, एंड इंडिविजुअली सबके बारे में बताना भाई आपका ये इंप्रूवमेंट एरिया है, एंड ये यू नो आपको ऐसे करना है। सो हैट्स ऑफ टू दिस जेंटलमैन, एंड वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑथर शेरी। Yes. Can we have a great round of applause for Author Sherry? Because, yeah. I mean, I'm really out of words, but ये एक ऐसी you know जबरदस्त ये इन्होंने मुहिम छेड़ दी है, और हम लोग तो बस इनके साथ में इनका हाथ पकड़ के ना हम तो बस चल दिए हैं, तैयार हो गए हैं, और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। So hope for the best. And दोस्तों आइए अब हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रोग्राम, एंड सबसे हम पहले बुलाते हैं हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट है, उससे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा सुभाष जी का, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे एमएस टॉक्स के, एंड हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमें सुनने के लिए, समझने के लिए हमेशा वो हमारे साथ में रहते हैं, इज अ ग्रेट पिलर ऑफ होल एमएस टॉक्स टीम। कैन वी इनवाइट सुभाष जी, सुभाष जी, सुभाष जी दो शब्द आपसे। My introduction has already been given by very, very lovely. Yeah. It's very nice, the introduction given by going about Master Sherry, who has founded the Center of India under the same banner now, the public speaking university has been created, and we all know that this means it to create 1 million speakers by 2030. This is not a joke. And he is working very hard on that. We all are cooperating with him. Abhi aap dekhiye ye jo
ग्रैंड फाइनल है, इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग का पीछे कर रखा है। उसका आज चौथा दिन है फाइनल डे, सबके सबके साथ में नाम को सुना है तीन दिन। और आज का जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। एक एक लफ्ज को लेकर इन्होंने कैसे लोगों को बोलना सिखाया है, जो बोलना सबको आता है, स्टेज पे कैसे बोलना है। कल आपने देखा होगा जिन भी लोगों ने यहाँ सुना है, जिन्होंने एक एक आदमी की छोटी छोटी सी माइनूट गलती, आप ठंडा पानी पीते हो, गर्म पानी पीते हो, कहाँ सोते हो, कैसे सोते हो, कैसे आवाज़ ठीक होनी है, कैसे प्रेजेंट करनी है, एक एक चीज को समझा कर बताना, ये है स्पीकर को बना स्टेज पे खड़ा करके बोलने की कला को सिखाना, ये कर रहे हैं। और 1 मिलियन स्पीकर को प्यार करना कोई आसान काम नहीं, कोई छोटा काम नहीं। यू मस्ट गिव हिम हार्टी कांग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस, एनकरेजमेंट। वी ऑल आर विद हिम एंड ही विल रियली फुलफिल हिज मिशन। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हुआ डीजे को बोलता हूँ कि अपना प्रोग्राम चालू करें। ऑल माई बेस्ट विशेस, यू गिव योर ओन डेमोस व्हाट यू हैव डन इन 30 डेज। ऑल माई बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. You're so sweet. And thank you so much for your blessings as always. And dosto, ab time hai. Movie kisko dekhna pasand hai? And tenen, movie time. Starting mein music ho gaya. Ab aapke dekhte hai movie. So can I request Sherry sir to share a small movie? Sure, Gaurav. Thank you so much. I hope this movie is visible. Yes. Yeah. It was the vision of author Sherry, who is a public speaking coach and TEDx speaker. Founder, President MS Talks India. To start this revolution to help people test their abilities by a 30-day challenge on his platform Public Speaking University by posting one video every day. More than 2,500 videos have been reviewed and provided with personalized feedback so that the participants can work on their individual strengths and improvement areas. Today we have participants from more than 10 countries. Like Canada, USA, Tanzania, Nigeria, Middle East, and more than 100 aspiring speakers from all walks of life. While we are about to complete this challenge, there is a brighter tomorrow waiting for all the participants for another beginning, and also, it's time to look back at the amazing stories we have created during our journey at the Public Speaking University. This is to mention each and every one of you had played a key role in the life of co-participants for learning, motivating and guiding through this journey and where we have learned as a community from each other. Every participant is important and with equal respect to their abilities and their commitment to create a newer version of themselves. Keep marching team, you will feel the transformation within 30 days and you would realize a new horizon, new potential, new possibilities opening in your life. Good luck and thanks for your belief in the mission. It was the vision of author who is a public speaking. Thank you so very much. Wow. Thank you, Sherry bhai. And maine, one of the line is important. Matlab sari cheeze important hai. Every participant is important. Us video mein kaha gaya. Aur wo cheez humne dekhi bhi. But author Sherry is not biased. Ke sirf ek ko hi reply kar rahe hain. Sabhi ka wo dhyan rakhte hain. Sabhi ko unhone bataya. Really commendable. Thank you so much. And God bless you. And हम लोग आज बहुत धमाल करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। एंड कीप शॉवरिंग योर लव ब्लेसिंग्स टू अस ऑथर शेरी। एंड दोस्तों, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज की, टू स्पेशल गेस्ट हैं, टू गेस्ट, लेकिन सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं, ओके, सो देयर इज अ स्वीट लिटिल यंग गर्ल, काफी लोग उनको जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। सो द नेम इज Shruti Verma. She is a corporate executive, artist, and a public speaker. We have met a couple of times in a public speaking championship and other various events of MS Talks. And it's really a great pleasure for me to invite her. So, dosto, invite karte hain Shruti Verma. Shruti, please unmute yourself. Hi, thank you, Gaurav. All right. So, I would want you to have a look at these. And you can let me know how you find them in the chat box. You must have been thinking that why am I showing these designs here? Well, I've been creating these designs since my childhood.
most of the times just staying alone in my room and making arts. Not much communication to the outside world. One day, while having a look at my designs on Facebook, I realized that I have been communicating to the outside world. How? Through my designs. My designs could talk. They could convey my messages and feelings. What I could clearly see was the power of communication. But it also made me realize that I do not know how to express myself through words. If my designs could talk, then why couldn't I? That's when I decided that I'm going to break the shell and I'm going to learn communicating to people. I'm going to learn public speaking. Now, I was always a shy kid. Like, even the thought of speaking in front of people always made me anxious. And some bad experiences added up to it, like not being able to introduce yourself in front of the class. I aspire to be an effective and confident speaker, but the fear of speaking always stopped me. One fine day, I decided that I'm going to face it. And trust me, that was the best decision I've ever made. I heard about an international public speaking championship happening in Delhi. I just gathered some courage and gave my name for the participation. I started preparing for my speech, but these thoughts were still haunting me, making me feel like I won't be able to do it this time also. I kept on preparing till the day of the championship arrived. On the day of the championship, I reached the venue. I remember I was surrounded by so many good, confident speakers, which made me nervous. The championship started, and every single of them was performing so well, as if they were professional speakers. Me, on the other hand, was going to face the stage for the first time ever. I was literally shivering out of nervousness that day. Soon after, I became so choked, I couldn't take the pressure. I went outside. My dream of speaking in front of hundreds of people was about to come true. It was right there in front of my eyes. But I found myself crying out of nervousness. I could not think about anything. A feeling of fear took over all my other feelings at the moment. I did not know what to do. I just went to the washroom. I washed my face. I looked at myself in the mirror and I told myself, even if I fail today, I'm going to attempt it. I went back inside and waited for my turn to come. When my name got announced by Gaurav himself, I went on the stage. I clearly remember how numb and blank and vulnerable I was feeling then. But surprisingly, I managed to give my entire talk successfully. And the moment I completed my talk, I was already a winner for myself. I was in tears out of happiness. Like, I did not stop in between, and I was able to complete what I started. That's all I wished for. So I was happy. And luckily, I even got an award for the best non-verbal skills in that championship. So since that day, I have never stopped. And now I'm a proud public speaker. The basis of sharing this story is to convey the message of communicating with your own self in order to communicate to the outside world. If I had not heard my inner voice that day, and if I hadn't found enough courage to face it, I would have never reached where I am today. I would have never learned how to communicate publicly. So it's all about just stepping out of your comfort zone and facing your fear. Well, this all became possible because of these. Through my designs only, I explored myself on a profound level, and an artist took birth who could not only communicate through her designs, but could also express herself through public speaking. So if you can communicate with your own self, you can communicate to the world on any stage, any point, and any time. Thank you. Wow. Lovely, you're so sweet, awesome, Shruti.
Thank you, Gaurav. Commendable, commendable. So deserved that prize. I was there. I got a chance to witness all the speakers, and you were really amazing. And today, I must say, क्या बहुत निखार आ गया है. You are a better version today. All thanks to author Sherry. दोस्तों, Shruti is getting mentored by our great none other than author Sherry sir, and we can see the difference. I mean, I remember the girl which, you know, last year, the public speaking championship 2019 mein hui thi, and she was a bit nervous, but the moment she comes on stage, you know, it start, there is an under saying ki soul mein she got, you know, so many these things. And today when I'm saying, wow, very, very nice, very nice. Sherry, sir, you want to say something? Yes, I think Shruti was saying something. You cut in between. No, I was just saying that I'm completely thankful to author Sherry sir. Like, it was the best decision to have him as my teacher. Nothing better than this could happen to me, really. Lovely. Okay, thank you so much, Gaurav and Shruti, for your kind words. Let me share one quick incident. Shruti joined me when she was struggling with public speaking. Not exactly that she's not a good communicator or she cannot speak effectively. She can. She's done her schooling from a very good school, passed out, you know, and good scores, good in academics. Everything is absolutely brilliant. But the thing is, there is something called stage anxiety, which many people go through. And due to some unmanaged thoughts, we create that anxiety. And when that happens, then what happens is that we lose our focus. We become someone whom we don't know actually. And by the time we try to get know, things get messed up in the life. And when we start talking, we start getting fear. And that fear keeps on ouncing on the head, and then, you know, it destroys everything from inside. And that was the stage when Shruti came to me, she approached me. We started working on her, and look at the way she's talking today. No fear, no anxiety, nothing. In fact, she's all the way smiling. She's all the way talking. She's ready to share her real life story. She's ready to share her experiences through her talks. What else you can want on you? You can expect from yourself, from someone at least who was struggling earlier to come and face public. So she has not only overcome the social phobia, at the same time, she has learned and mastered the art of public speaking skills. I'm really happy to see Shruti performing today. God bless you. And let me tell you that Shruti has some surprise package for all of us. I think 3-4 months passed by when I got to know that Shruti is a brilliant designer. And she had been working with a lot of startups and helping them for their designing part of logos. I could not believe that she has that talent, but she has something really spectacular to offer to all the community members today with some, you know, unbearable price. And I don't know what she has in the store. So we will give that opportunity to you, Shruti. In the meanwhile, let's switch to other speakers and let's get the event rolling. Gaurav, over to you. Thank you so much, Shari bhai, and wow, Shruti, really commendable. God bless you. Thank you, Gaurav. All right, दोस्तों, टाइम आ गया है कि हम लोग सभी अपने स्पीकर्स को एक एक करके सुने. एंड दोस्तों, कुछ जरूरी बातें से पहले कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करें. सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन. इसी के बारे में हमें बोलना है. सेकेंड थिंग इज, सभी लोगों को 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 3 good minutes. नाउ जैसे ही 2 मिनट होंगे, आपको एक आवाज सुनाई देगी. ठीक है, तो कोशिश करनी, जैसे आपको ये आवाज सुनाई दे, स्टार्ट रैपिंग अप. और एक जरूरी सूचना, कोशिश करना कि देख के मत बोलना, हमें पता लग जाता है कि कौन देख के पढ़ रहा है. आई एम श्योर कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम कुछ करें, लेकिन कोशिश करना कि जो इम्प्रोम्प्टू बोले ना, उसका मजा ही अलग है. आप दिल से बोलेंगे ना, आवाज भी जो है, आपकी बातें जो है, दिल तक जाने वाली है. राइट, सो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा. और सबके से गुजारिश है कि भैया अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, कि आपके जो इतने ब्यूटीफुल फेसेस हैं, स्माइल हैं, ये सारा लाइव हो रहा है हमारे फेसबुक में, जहां पर ऑलरेडी मोर देन 53,000 लोग हैं और 2.5 लाख लोग से ज्यादा व्यूअरशिप है. ग्रुप पिक्चर में भी फोटो नहीं आई. यस, अभी लोग फोटो प्रिंट हो रही है आपकी, और मीडिया में भी जाएगी. आपको पता है कि यार अच्छे स्माइलिंग फेसेस जाएगी तो हम तो फिर ऐसे ही भेज देंगे.
हमें मत कहना कि आधार कार्ड वाली फोटो है या पैन कार्ड वाली फोटो है, ठीक है? सो ऑलराइट, सो दोस्तों प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हम अपना, एंड लेट मी इनवाइट द वेरी वेरी फर्स्ट स्पीकर ऑफ द टुडे, एंड द नेम इज रिद्धि कथुरिया सहगल. रिद्धि जी, ओवर टू यू. होप शी इज हियर. रिद्धि, रिद्धि, रिद्धि. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज सोहम कथुरिया. सोहम, यू देयर? नेक्स्ट इज सुरुचि सिंघानिया. नहीं है सुरुचि से, एक तो मैंने देखा था सुरुचि सोनी है शायद वो. एनीवेज, नेक्स्ट वी हैव इज नितिका विजय. ओके, नेक्स्ट इज वैभव वर्मा. आई होप मेरे साथ कोई गेम नहीं खेल रहे, जानबूझ के चुप बैठे हैं कि मेरे को लगे कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूं. अरे कोई तो आ जाओ. नेक्स्ट वी हैव इज मुर्तुजा. नहीं है. डॉक्टर अतुल गुप्ता इज हियर. डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत कर रहे हैं. बहुत बढ़िया, मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगा अगर बीच में कॉल आ गई. नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको यहीं पे रहना है. मैं वापस आता हूं, रोज आता हूं वापस. राइट राइट राइट. सो ओवर टू यू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नमस्कार. सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा पीएसयू टीम को, शेरी भाई को और पीएसयू के मेंबर्स को इस चैंपियनशिप में बने रहने के लिए. और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन हम बचपन से सीखना शुरू कर देते हैं, जब से पैदा होते हैं और सीखते ही जाते हैं. लेकिन अगर हम किसी पब्लिक स्पीकिंग कोच जैसे टोनी रॉबिन्स जी कहते हैं, कम्युनिकेशन इज पावर. सो अगर इस तरह से हम देखें कि कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है, उसको कैसे यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए. और बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी बातें जो कम्युनिकेशन के बारे में होती हैं, वो ज्यादातर हमने ये देखा है कि वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे होती हैं, कि लोगों की लोगों से बात, हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, उसकी स्किल्स कहा जाती है, वो सब चीजें सिखाई जाती हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसे एक्सप्रेस करना है. लेकिन मैं जो बात करना चाहूंगा वो बात करना चाहूंगा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, कि मैं खुद के साथ कैसे बात करता हूं. ये वो डायलॉग है, ये वो सेल्फ टॉक है जो 24 घंटे चलती रहती है, जब हम सोते हैं तब भी चलती रहती है, सबकॉन्शियस माइंड भी हम बात करते ही रहते हैं. और यहीं से डिसाइड होता है कि हम बाकी बातें कैसे करेंगे. क्योंकि अगर लेवल ऑफ कम्युनिकेशन देखा जाए तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, उसके बाद इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आती है, उसके बाद स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन आती है, फिर पब्लिक स्पीकिंग आती है, और फिर मास कम्युनिकेशन आती है. तो पब्लिक स्पीकिंग हम सब कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन जो मास लीडर करते हैं. तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम कैसी है, मैं खुद से कैसे बात करता हूँ, ये चीज हमें सीखनी चाहिए. ये इमोशनल इंटेलिजेंस के पार्ट हैं और ये ट्रेनिंग सबके लिए बहुत जरूरी है. लाइफ स्किल की ट्रेनिंग होती है. अगर ये ट्रेनिंग हम सब कर लें और इस हिसाब से हम बात करें तो हमारा बेस सही होगा, तो बाकी बिल्डिंग उसके ऊपर सही बनेगी. दोस्तों, अगर हमने अपनी कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाना है तो ये वाला बेस अगर स्ट्रांग नहीं किया तो बाकी महल खड़ा नहीं हो पाएगा. इसलिए अपने आप से सही बात करो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, उम्मीद दो, बढ़ाते रहो. ब्रायन ट्रेसी जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो अगर 85% आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, और उसी पे आपकी जिंदगी निर्भर करती है, प्रोफेशनली या पर्सनली. सो मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा एक लाइन के साथ कि कम्युनिकेशन इज अ ग्रेट पावर, लर्न इट, इंप्रूव इट. थैंक यू, बाय बाय. वाह, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब. और डॉक्टर अतुल गुप्ता जबरदस्त, मतलब स्पीकर भी हैं और इसके अलावा बहुत अच्छा डॉक्टरी का, काफी बिजी रहते हैं, हम देखते रहते हैं इनके फेसबुक में. एंड थैंक यू सो मच कि स्पेशली ये 3-4 महीने का टाइम में सैल्यूट तो बनता है. आपने जो ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो बस सोच सकते हैं इस बारे में. मैं डॉक्टर अतुल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ. इन्होंने
बहुत ही आई थिंक बहुत ही स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने वीडियो क्राफ्ट स्टार्ट किया था तो डॉक्टर अतुल ने हमारे साथ ज्वाइन किया एंड ही इज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट ह्यूमन बीइंग बट आल्सो एन एविड लर्नर. इतना सब कुछ करने के बावजूद मेडिकल फील्ड में ये सब जो कर रहे हैं उसके बावजूद ये अपने स्किल्स को हॉन करने के लिए दिन रात एफर्ट करते हैं. ये उन लोगों में से हैं. तो आई थिंक दिस गोज टू शो अबाउट द कमिटमेंट ऑफ डॉक्टर अतुल एंड आई विश हिम गुड लक. बहुत अच्छा कर रहे हैं. थैंक यू. आपकी वजह से मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है. यूट्यूब चैनल चल रहा है अब. एटलीस्ट वीडियो डाल पा रहा हूँ रेगुलरली. गॉड ब्लेस यू सर. और मेरा टॉपिक एक्चुअली मैं चूज कर रहा था जो कल पायल मैम ने बोल दिया कि डॉक्टर को कम्युनिकेट कैसे करना है पेशेंट को डिफिकल्ट सिचुएशन में, ट्रिकी सिचुएशन में. तो मैंने आज टॉपिक थोड़ा सा चेंज किया था. एक्सेलेंट सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. और अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ. और अब मैं कुछ ट्विस्ट कर रहा हूँ. मैं लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहा. किसी को भी मैं ट्विस्ट मतलब बुला लूंगा जहां पर मेरी नजर जैसे कहते हैं ना अमली करके जहां पर रुकी. Okay, so next we have is Harpreet Kaur Arora. Let's invite with a huge round of applause the public speaker, Harpreet Kaur Arora. Harpreet ji, please unmute yourself. Hello. Yes, you are audible. Thank you, sir. Thank you very much for this pleasure. I'm really thankful to Sherry sir. First of all, he has given us the opportunity to be on this platform, which was not possible without him. And today we have the topic that is power of communication, which is ये नींव है हर इंसान की, क्योंकि बोले बिना तो कोई नहीं रह सकता और रहा जा भी नहीं सकता. Because we have to talk to everyone. We have to talk at every stage of people. Like we have to talk to kids when we are in office, we have to talk to our staff. But the way we talk, the way we communicate, that is most important. And the first most important thing that is required in power of communication is honesty. You should be honest, in which your trust should be seen. Koi bhi stage ho, even if you are talking to your staff, you're talking to your family. So though it is a personal communication or an official communication, honesty is the most important thing. When we build that trust between our staff, then whatever we say, it is very clear in their mind and in their heart. Communication ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं. Communication वो होना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत क्या है, वो क्या सुनना चाहता है. We should never go in past again and again. Like हमने ऐसा किया, हम ऐसा करते थे, या हम घर पे ऐसा करते हैं. No. जो हमारा motive है, that should be solved. जो हमारी मीटिंग का मोटिव है, दैट शुड बी सॉल्व्ड इन कम्युनिकेशन. व्हेन वी आर सिटिंग इन एन ऑफिस मीटिंग, देन वी शुड बी वेरी मच लिमिटेड टू दैट टॉपिक. सो कम्युनिकेशन शुड बी ऑन दैट बेस्ड. सेकेंडली, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड नेवर डोमिनेट एनीवन ड्यूरिंग आवर कम्युनिकेशन. व्हेन वी आर डोमिनेटिंग समवन, इट इज नॉट अ कम्युनिकेशन. बिकॉज कम्यून मीन्स to share. That doesn't mean that we are dominating someone. We should not convince, we should share our thoughts. That is a communication. So what I feel personally is, when we are wise enough, when we are intelligent enough, we should have the art to say something. We should not use the fillers ki nahi kuch bhi bolna hai. We should not ask stupid questions, we should not convey stupid things. It should be relevant, it should be concise, it should be brief, it should be to the point, and communication should be according to the audience. We should not build audience after our communication, we should build super fans after our communication. So first and most important thing, and lastly, I would like to wind up that
whenever we communicate, we should communicate according to the audience, to the listener, and we should have the art of listening to be a good communicator. Thank you so much. Bye-bye. Lovely, kya baat hai. Very, very nice, Harpreet ji. Thank you. Round of applause, dosto. Very nice. एंड दोस्तों अगला मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ ये एक सरप्राइज एलिमेंट है एंड मुझे बड़ा मतलब एक अलग से एक्साइटमेंट है कि आज हम इनको सुनेंगे एंड शी इज क्यूट लिटिल यंग गर्ल एंड आप सभी लोग उनको जानते हैं नेम इज तवलीन अरोड़ा यस दोस्तों तवलीन अरोड़ा जो ऑथर शेरी एंड कारा मैम की डॉटर है शी इज द यंगेस्ट ऑथर एट द एज ऑफ जस्ट 8 years और उन्होंने कई और सारे अवार्ड्स भी जीते हैं एंड लेट्स हियर इट ऑल फ्रॉम द यू नो सेलिब्रिटी गर्ल इटसेल्फ तवलीन अरोड़ा तवलीन हे ओवर टू यू बेटा कम्युनिकेशन इज द सिस्टर ऑफ लीडरशिप हाय एवरीवन आई एम तवलीन अरोड़ा टुडेज आवर टॉपिक इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन बिल्डिंग ट्रस्ट Number two, it creates better relationships. Number three, it improves productivity. We want you to start again because your photograph is stuck. You're in the public. I want you to speak again. Come on, do that. Communication is the sister of leadership. Hi everyone, I'm Tavleen Arora. Today, I'm going to talk about the power of communication. What are the advantages of communication? Number one, building trust. Number two, it creates better relationship. Number three, it improves productivity. Number four, it promotes team building. And number five, it increases the engagement. What are the four main points of communication? Reading, writing, speaking, and listening are basic communication skills necessary for effective communication. Thank you. Wow, so sweet. Dosto Talia, Tavleen ke liye, it's not easy. Wow. Really commendable. Aur bhai, saath ka, sangat ka bahut farak padta hai. And at this age, mereko to shayad theek se bolna bhi nahi aata tha. अभी भी ठीक से बोल रहा था लेकिन इतने कॉन्फिडेंस है वो भी इंग्लिश में बैक टू बैक कॉन्टिन्यूस ऐसे कर लेता है यार मेरे को भी थोड़ी कोचिंग लेनी पड़ेगी आपसे सो दोस्तों थैंक यू सो मच एंड अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ लेकिन उससे पहले मैं एक खास इंसान को इन्वाइट करना चाहूंगा एंड आई रियली फील ब्लेस्ड एंड फॉर्चुनेट दैट यू नो ही इज हियर टुडे विद अस एंड दोस्तों ही इज अमेजिंग मतलब उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी एक स्टोरी भी शेयर करी थी और आज बहुत कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट हम लोग शेयर करेंगे इनके बारे में भी सो इससे पहले मैं इनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ ही इज द स्पिरिचुअल एक्टिवेटर प्रोफेशनल स्पीकर लाइफ बिलीफ मेंटोर ही इज द डायरेक्टर पॉडकास्टर इंटरनेशनल स्पीकर समिट में ये आते हैं प्लस साउंड हीलर के फाउंडर हैं फॉर्मल रिक्रूटेड एट लबोरिया INC प्लस बहुत लंबी लिस्ट है बट लेट्स लिसन फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ एंड दोस्तों इन्होंने एक जबरदस्त चीज करी है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये खुद वो अनाउंस करें राइट सो लेट्स इनवाइट विद अ ह्यूज ह्यूज अप्लॉज फॉर द एनर्जी मैन सुपर सुरेश जी हाय फैंटास्टिक यू नो व्हाटएवर आई थॉट टू से तवलीन अरोरा शी कन्वेड इट दैट इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन The commitment, what today I would like to give is that from I live in Chennai and Chennai is capital of Tamil Nadu. From Tamil Nadu, every year 2,500 participants, I'm going to pump in into professional speaking university because I'm going to stand for a cause that Author Sherry is working for. 2030, it is going to be 100% in reality and I'll be there standing with a pride movement with Author Sherry and Gaurav Jain, you have to be the MC as well for that event with all your energy. You have to. Oh my God. This was big, Suresh. Yes. I'm getting goosebumps. Yes, 2000.
Yes, 2,500 per year and 10 years I'm going to stand with you. So 25,000 is my commitment to you. It's like if each and every one who are like win the public speaking university, we try to find out the right people who are interested to become a public speaker, professional speaker or a life coach. Because as you become a very good public speaker, you can become as well a life coach. Because your life will change and people will start to admire yourself. And when someone starts to admire yourself, tell him that I can make you too also be admired by many people. Come with our journey. So that is our mission. We are creating something very unique. So as Tavleen Arora, she was fantastic with her four statements. That is amazing. That is what made me to stand with Author Sherry now. And I said, brother, I want to give this as an announcement in this final day of our public speaking carnival. So it is like each and everyone can show up your hands and let's connect our hands together and we can stand for a good cause. Thank you very much for this wonderful opportunity. Wow, kya baat hai. Super, you are amazing, super. Sherry bhai, over to you. Please say something. Suresh, you have just stunned me with this announcement. I think this came as a Guru Dakshina or a surprise package. I don't know about that. But let me tell you that your energy has reached me and I promise you that by grace of God, together we can and we will make a difference. That's a commitment, that's a promise. And I'm so grateful to you, so thankful to you for coming out publicly and announcing this. This was a complete surprise to me. And you just really stunned me with your announcement. Yes, okay. And you know, I split it into divisions. So every month I'm going to make 208 to 210 participants inside. That is a small commitment every month. It's like a contribution I'm going to give it for a good cause. So because I don't want to say big and don't do anything. So small, see, every month you are going to add in Public Speaking University in the Facebook 200 new participants. 200 new participants every month you will do that. And I'm going to see that and I'm going to say, brother, I'm making it. My promise, I'm keeping up with my promise. So you are going to do that. I'm going to feel the joy of it. And every month, GJ, you have to give the announcement that this man said and he's making it. This man said and he's making it. That is what I need from you all. Wow. This man is saying it and he's already doing it. Yay! Yes, sir. God bless your mission. God bless our mission. And yes, thank you for the wonderful gesture. And I'm really happy to see that someone coming out and talking like this. Wow, this is giving me real goosebumps right now. See, I just conveyed, but many people are having that in their mind. I want them also to speak out and tell that we are going to stand for this cause. See, that is what very important. Because as you are creating people to open up their mind and put that into the mouth and send it out to the people. You won't believe, Suresh. Let me talk very authentically now. I really don't mind who's listening or who's not. Okay. So, I'll share my heart with you since you have shared your heart. Thank you. I always believe that people should stop diaspora. I have seen that people get education and they get settled abroad with their families, with their ability, their skills to earn more money, they enjoy the good life. There's no harm in that. I'm not saying that it's harmful. But jis desh mein hum paida hue hain, us desh ke prati bhi to zimmewari hai ki nahi hai? Aap batao. Sun rahe ho mujhe na aap? Hai ki nahi zimmewari hamari? Hai na? Hum Bharatiya hai na? Indians hai na? To hamara ek mission hona chahiye na life mein? Hum jo bhi life mein kar rahe hain, life to ek hi mili hai na? दो चार पांच छह दस पंद्रह तो नहीं है, एक ही लाइफ मिली है ना, तो एक लाइफ में एक मिशन तो होना चाहिए. कुछ तो करें अपनी लाइफ से जिससे हमारे कंट्री का भी भला हो. तो हमारी कंट्री में जो सॉफ्ट पावर है उसको मैं लेवरेज करना चाह रहा हूँ ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म थ्रू पब्लिक स्पीकिंग. एंड इफ यू वॉन्ट टू हॉर्न योर कम्युनिकेशन, यू हैव टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज पब्लिक स्पीकर्स आर इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स. So this is a simple philosophy I'm following, and that is the reason I started this mission to create 1 million public speakers in India by 2030. And I'm happy to see that someone like Suresh is connecting to this energy, coming out publicly, announcing this. Mere se Suresh ki koi baat nahi hui. Na inhone mujhe phone kiya, na
ना मेरे से पूछा मैं अनाउंस करने वाला हूँ. अभी इनके माइंड में कोई बात आई, जस्ट मोमेंट्स बैक ही गॉट दिस थिंग इन माइंड. ही टेक्स्ट मी आई वॉन्ट टू अनाउंस एंड आई केप्ट ऑन आस्किंग हिम व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट. एम आई राइट सुरेश? And, yes, yes. And he said, give me a chance, I want to announce. Give me a chance, I want to announce. And I was still unclear what is he going to say. Yes, you know one thing, when you asked, I can't able to express through words by typing it. It was like, how to do? Because it was like, I want to convey it directly. I cannot transmute into words and send it to you. It was, even I'm so like, how it happened? It's a magical words which came out of me, and I'm going to stand for the magical words. Okay, now let me share with you my final thoughts quickly. We won't take much of the time. Let's appreciate the fact that people have joined with us. Well, let me tell you that it's just not about the people who are rich in class or who are in the middle income group category, but we also want to touch base the people who are in the lower income group category, jo gareeb parivar ke hamare bacche hain. कितना टैलेंट है उनमें, कौन सिखाएगा उनको पब्लिक स्पीकिंग? हम सिखाएंगे उनको पब्लिक स्पीकिंग. हम कुछ करेंगे उनके लिए, हम कोई सिस्टम क्रिएट करेंगे, हम कोई तरीका बनाएंगे. इंटेंट क्लियर हो तो भगवान साथ देता है, और ऑथर शेरी का इंटेंट क्लियर है, दैट्स वेरी श्योर, वेरी मच श्योर. एंड आई रियली वॉन्ट टू डू दिस बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इन आर कंट्री इंडिया, भारत में बहुत सारा टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है, देश के अलग अलग कोने में भरा हुआ है. एंड विद पीपल with the caliber of Suresh, we can bring this talent out from different parts of India. Thank you very much. Yes, brother, one thing I want to say at this moment, you had already done that, because in our public speaking university, Natesh Velan, there was a candidate, you know them, right? Okay. You were asking him why you have not replying to my messages. Yeah. Because, yeah, he was not so good in English, but oh. I said, and he lives in a very remote village, and his father passed away, and his mother and himself live in a small hut house. And then I said, this is a right platform. You come out. You don't need to have any hesitation. People can just watch the videos of our Natesh Velan. And brother had given a very authentic inputs to him. And even he asked him, why are you not replying to my messages? That is how I can see your level of commitment to bring someone out of the shell. You made it, brother. Brother, it's like, if I get a chance, I will hug you and I will touch your feet and respect you, brother. That is what you already started to do that. You're already doing that. You are not going to do it. It has already happened in our 30-day challenge. You can see Natesh Velan. You can see that. God bless you. Thank you so much. Thank you so much, Suresh ji. May God shower us lots and lots of love, luck, peace, abundance, and peace your way, success your way. And I can already see it. Stay blessed. Thank you, brother. And all right, dosto, with this amazing, super energy, I'm really getting goosebumps. And ab hum chal rahe hain, hamare program ko aage bada rahe hain. Many speakers are waiting. So next in the list is Amrita Arora. The public speaker Amrita Arora ko invite karte hain taaliyon ke saath. Amrita ji, over to you. Good evening, everybody. Sir, am I audible? Yes, you are audible and visible both. Thank you so much. Good evening, everybody. Let me tell you, I don't believe in the power of communication. Yes, you heard me right. I don't believe in it. और इसके पीछे एक कहानी है, एक कारण है. बात है मेरे कॉलेज दिनों की. कॉलेज दूसरा नाम होता है फ्रीडम, फ्रेंड्स, मस्ती का. और मुझे ये तीनों चाहिए थे, और आई वॉज इनफ लक्की, मुझे ये मिल भी जाते हैं. और मेरे को मेरे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है. पर दिक्कत ये आती है कि मेरा रोल नंबर पीछे होता है और मेरे फ्रेंड्स का रोल नंबर साथ साथ होता है, तो वो ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. सेकेंड ईयर आता है, मैं और भी एक्साइटेड होती हूँ कि अब ना एडमिशन इकट्ठे लेंगे तो मैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगी. पर वो एडमिशन हो नहीं पाता, और मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे धोखा दे दिया है. आई फील्ड सो रिजेक्टेड, सो डिजेक्टेड. आई जस्ट वॉन्टेड टू बी इनविजिबल फ्रॉम देयर. पर पढ़ाई छोड़ नहीं सकती थी,
तो व्हाइट कलर को अपना हमजोली बना लिया। तब से रोज व्हाइट प्लेन क्लोथ्स मैं कॉलेज डाल के जाती। और कमाल की बात तो ये थी कि ना मेरी फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा कभी, ना मैंने कभी उनको बताया। और कुछ खाली आंखें मुझसे सवाल जरूर करती थी, पर उनका मैं क्या जवाब देती। एक दिन मुझे मेरे मैम स्टाफ रूम में बुलाते हैं, एंड शी हैज अ टेंस लुक ऑन हर फेस। शी टोल्ड मी, अमृत बस बहुत हो गया बेटा, बेटा क्या हुआ है। एंड आई टोल्ड माय मैम दैट मैम आई एम सॉरी आई कांट टेल, इट्स रिलेटेड टू कॉलेज। मैम स्माइल्ड एंड सेड ओके, कल ना मेरे बेटे का बर्थडे है और आप मुझे गुरु मां मानते हो, तो अब से नो मोर व्हाइट क्लोथ्स। वन मिनट लैप। और मैं अगले दिन कॉलेज में व्हाइट एंड ब्राइट ऑरेंज कलर की ड्रेस डाल के उनके सामने खड़ी होती हूँ। और जो चीज 7 महीनों से नहीं हो पाई थी वो उस 7 मिनट के कन्वर्सेशन ने कर दिया था। मैंने बोला था ना कि मैं पावर इन कम्युनिकेशन में नहीं मानती, क्योंकि आई बिलीव इन द मिरेकल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि लाइक अ लॉक नीड्स अ की टू ओपन इटसेल्फ, इन द सेम वे अ हार्ट कैन बी अनलॉक्ड विद द राइट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो कीप अनलॉकिंग द हार्ट्स एंड कीप विटनेसिंग द मिरेकल्स टू कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच। वाओ क्या बात है, लवली अमृता जी, बहुत खूब, वेरी वेरी नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। दोस्तों आफ्टर अमृता जी अब हम इनवाइट कर रहे हैं, नेक्स्ट वी हैव इज कौर। व्हिच कौर? बहुत सारी कौर है। हरप्रीत कौर, लेट्स इनवाइट हरप्रीत कौर जी। हरप्रीत जी ओवर टू यू। हरप्रीत है यहाँ पे। हरप्रीत जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। टिक 1 टिक 2 टिक 3। हरप्रीत जी का हो गया। हो गया ठीक है, ऐसा क्यों कह, ऐसा नहीं दो दो अमर हरप्रीत हो, चलो बट ठीक है। नेक्स्ट इज अमरजीत। अमरजीत कौर, यार कंफ्यूज आ गए हम। अमरजीत कौर जी के लिए तालियां। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर अमृता जी। अमरजीत कौर जी ओवर टू यू। अनम्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही, अभी भी नहीं आई। अरे आपकी बस आपको पता लग रहा है कि आप बोल रहे हो लेकिन आवाज नहीं पहुंच पा रही। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे क्या हुआ अमरजीत, वी कैन नॉट हियर यू, प्लीज अनम्यूट। इनका अनम्यूट तो दिखा रहा है टेक्निकली। Yeah, technically unmute is showing Amarjeet, but I guess there is some problem in the device. Kindly check your audio settings, log off and log in again. We'll invite you again. Hanji, hanji. Okay. This is technology, dosto. Kabhi bhi kuch bhi ho jata hai. And koi baat nahi. We'll have you here. Bas ek baar log off karke log in kariye, and it will be fine. Theek hai, Amarjeet ji. Okay. Next we have is Ishpreet Kaur. Ishpreet Kaur ji. है यहाँ पे, yes I can see that. Over to you, Ishpreet Kaur ji के लिए तालियाँ, the public speaker. Thank you so much, thank you Gaurav ji for giving me this platform, thank you Author Sherry. Can I switch on my timer and then my time starts? Your time starts now. सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी अपनी बात को किसी माध्यम से दूसरे को पहुंचाना इस कम्युनिकेट कहते हैं। कोई हंसकर, कोई बोलकर, कोई लिखकर, तो कोई रोकर, या फिर कोई चुप रहकर अपनी बात कम्युनिकेट करता है। इवन द पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट, अ वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन ब्रेक और मेक द रिलेशनशिप्स। पब्लिक कम्युनिकेशन कैन सॉल्व और कॉज द प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेशन कैन इवन build or destroy someone's personal own brand. The best example I could quote at this moment of our two prime ministers, ek jo pehle reh chuke hain aur jo ek ab hain, Dr. Manmohan Singh, a silent public speaker or a communicator, silent prime minister. That's the title he got because he couldn't communicate with us. Second,
मित्रों, भाइयों और बहनों. Yes, that's how Narendra Modi ji connect with us. He's a true example of the quote, the art of communication is through the language of leadership. He inspire us, he persuade and earn the confidence by his just verbal engagement with his own janta. I say he uses four powers in his communication. First, connect and express. Man Ki Baat, unka radio program, is the way he express himself and be connected to his janta. Attention and intentions. If I take an example of demonetization at that time, उनकी एक लाइन थी, he convinced people with his intention, अगर देश से भ्रष्टाचार और काले धन को मुक्त कराना है तो आज मध्य रात्रि से हम 500 और 1000 के नोट 8/11/2016 से बंद कर दें. एंड वी ऑल एक्सेप्टेड इट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इंटेंशंस. द थर्ड पावर ही यूजेस इज अबाउट listening and responding. He makes sure that his public speaking, his speech is so correct, so concrete, so clear and crisp, with the right pause, with the right rate of speech, with the right vocabulary and the content. He gets in touch with us. He gives us so much that we respond to all his 2-minute decision even with a very positive manner. That's how Modi ji is being considered as a good public speaker, and the whole world admires him because of his public speaking, his power of communication, and a good communicator. Thank you, and as a good leader. Lovely. Thank you so much, Ishpreet ji. आपका फोन आ रहा है या अलार्म है ये? The time of the alarm. अच्छा. Fantastic. You're really unstoppable. But wow. Really loved it. Very nice. All right, dosto. Hum jaldi jaldi chal rahe hain hamare next speaker ki taraf. And next we have is Bajaj. Bajaj? Of course, Shikha Bajaj. Shikha Bajaj ji. Over to you. Actually, wo bhi PC dobara login kar rahi hai. Okay, to fir hum log aage badh rahe hain. बात मेरे को लग रहा है कि लिस्ट में अगेन मैं कहीं से भी ऐसे नहीं रखता हूं. अगला जो नाम है अमरजीत इज बैक. यू कैन चेक विद अमरजीत. अमरजीत जी, यू हियर? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. वेलकम. अरे नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही यार, ये क्या हो रहा है? आप एक काम कीजिए, आप ना किसी और के डिवाइस से लॉगिन कर लीजिए, किसी और के फोन से लॉगिन कर लीजिए. वेट अ सेकंड अमरजीत, आप एक बार अपना माइक जो है, जो आपने हेडफोन लगाया हुआ है, उसको निकाल दो. उसका माइक चेक करो एक बारी, या उसको निकाल के एक बार बोलो. जैक से निकालो. मोबाइल, जहाँ मोबाइल से हो आप लॉगिन, फोन से नहीं निकाला है उन्होंने. हां, लैपटॉप से लॉगिन हो तो वहां से हटाओ आप आवाज. वहां से वो जैक हटा दिया. जैक हटा दिया आपने. आप लिपसिंग करो, मैं समझ जाऊंगा. हाँ, हटा दिया ना आपने, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही. दैट मींस कि आपके लैपटॉप के ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या जूम सेटिंग्स आपकी. आप कोई भी, आप फोन से लॉगिन कर लो, किसी के भी फोन से, फैमिली में किसी के पास फोन है ना, उससे लॉगिन करो. वी आर रियली यू नो एक्साइटेड टू लिसन टू यू. श्योर. थैंक गॉड हमारी आवाज तो पहुंच पा रही है. दिस इज पावर ऑफ कम्युनिकेशन. वन साइड हो रहा है, लिपसिंग हो रही है. सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल दोस्तों. ऑलराइट, सो व्हिच इज, हु इज बैक? शिखा जी. शिखा जी, शिखा बजाज जी हाजिर हो, आ जाओ. थैंक यू गौरव. एम आई ऑडिबल? यस, एंड आई स्टार्टेड हिटिंग दिस क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल? बट ओवर टू यू. Time starts now. Okay, thank you very much. So
आज का टॉपिक है पावर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, क्यों है ये मैं बताऊंगी. सो आई एम एक्चुअली अ कम्युनिकेशन ट्रेनर एंड कोच एंड आई विल स्टार्ट विद अ शॉर्ट स्टोरी एंड ये बहुत मुझे टच करती है. व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, जो बोल नहीं सकता है, खाली रोता है और थोड़ा बहुत हंसता है, वट एवर, बट दे हैव अ ब्यूटिफुल इंटरेक्शन. एक माँ और एक बच्चे में बहुत ब्यूटिफुल इंटरेक्शन होती है. So the power of communication can be observed even in a small child who cannot talk. Communication is just like a basic need. I mean, jis din se hum paida hue hain aur jab tak rahenge is duniya mein, communication is a basic need jo hamesha rahega. I think we need to communicate as human beings. Agar aapko chup rehne ke liye bol do, kuch na karne ke liye room mein band kar do, I think we will not be happy, we will not survive. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, किसी से बात कर पाए, चाहे बोले या ना बोले, मतलब वी नीड टू बी विद पीपल. वी आर सोशल बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल्ड बाय इमोशंस एंड इमोशंस का एक्सप्रेशन सबसे ब्यूटीफुली कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन एंड सो इज द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. दैट डे आई वाज जस्ट सर्फिंग द नेट एंड आई केम अक्रॉस अ कोट, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट सेड इन अ रिलेशनशिप इफ कम्युनिकेशन फेल्स everything else follows. I think it is so true. एक relationship में जब communication मर जाती है ना, तो उसमें कुछ नहीं बचता है, वो रिश्ता खत्म हो जाता है. So communication is the base of a successful relationship. इसी बात पे मुझे एक और बात याद आई. मेरे job में मुझे मेरी boss बहुत पसंद थी. I know ये बहुत rarely होता है, but I really loved my boss. क्यों? वो बॉस जैसी भी थी, बट शी वॉज अ ग्रेट फ्रेंड टू मी. उनसे मैं ओपन हार्टेड कॉन्वर्सेशन कर पाती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था. आई यूज टू लुक अप टू हर एंड आई यूज टू ऑलवेज से, अगर बॉस हो तो ऐसा हो. एंड बाद में मुझे लगा ऐसा मैं क्यों बोलती थी. शी वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर एंड यस, लीडरशिप, ग्रेट लीडरशिप इज अबाउट ग्रेट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इतना जरूरी है हमारे लाइफ के हर फील्ड में, पर्सनली, प्रोफेशनली, वेयर एवर वी गो. I think jo Dr. Atul ne beginning of the session, he said something and I really liked it. And that also I wanted to talk about, that what I communicate with the outer world, it starts from inside of me. Agar mera khud se communication theek nahi hai, agar main, I have feelings of fear, anxiety, if I self-doubt myself, I cannot communicate confidently to anybody. So communication is so powerful to make me a strong individual. That is the power that communication gives me. And I think I have said it all today, interacting on this virtual platform. I know some of you I don't, but communication has given me the power. And I totally agree, communication is the most powerful thing in this world. And I don't think anybody can live without it. That's it from me. Thank you very much. Awesome, Shikha ji. Very nice. Super. Very, very nice. Great. Great talk. राइट एंड दोस्तों, हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट हैं, यू नो, जो भी पधार चुके हैं, थोड़ी देर में उनको भी सुनेंगे. लेट हिम यू नो रिलैक्स एंड हैव अ फील ऑफ ऑल द स्पीकर्स एंड इज एन अमेजिंग मैन. मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा. अब जल्दी जल्दी चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ. एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट कारा वांट्स टू हॉप इन एंड शेयर हर थॉट्स ऑन कम्युनिकेशन. अरे वाह, Kara ma'am, over to you. Yay! For Kara, I'm the timer. Yeah, kya baat hai. And my watch is pretty fast, Kara, so just be careful. Aur aapko unmute karke bolna hai. Seedhe aapki baat maan leti hu, main bol hi leti hu. Communication, that is very important in your life. Aap jab bhi apne work place mein hote hain, ek baat chori hui aapke paas, किसी दूसरे पर्सन को टच कर जाती. लाइक मी, मैं अपने जिस जॉब प्रोफाइल में पहले थी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटर वर्क. हमारे यहाँ बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते थे, बहुत से ऐसे पर्सन आते थे. हमारा जो मैनेजर थे, दे स्पीकिंग स्टाइल इज वेरी बैड. वो हमेशा बहुत रूडली बोलते थे, जिसकी वजह से कस्टमर जो थे बहुत बार चले जाते थे. बट जस्ट एक वन कम्युनिकेशन उनसे, वे ऑफ टॉकिंग के वजह से, वो हमेशा एक प्रेयर करते हुए हमसे जाते थे. हमारा जो स्टाफ था वो बहुत ही पोलाइट वे में उनसे ट्रीट करता था. सेम है आज तक वो कस्टमर, बेशक मैंने आज 2 साल हो चुके जॉब छोड़े हुए, बट आज तक वो कस्टमर मेरे साथ टच में है, एक फैमिली मेम्बर की तरह. जब भी वो इंडिया वापस आते हैं, मुझसे जरूर.
जरूर लिखना चाहते हैं, दैट इज वॉइस कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से बात अच्छे से कर रहे हो, आपके वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, चाहे वो इंग्लिश में ना हो, हिंदी में हो, बट वो आपको समझ रहा है, तो वो आपके लिए मतलब कह लो कि 100% है, वो आपको लाइफ टाइम तक याद रखता है, इसीलिए पावर है। थैंक यू। अरे अभी तो बस 2 मिनट भी होने वाले थे, इतनी जल्दी क्या बात है, कारा मैम के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों इट्स नॉट इजी, ट्रस्ट मी, एंड शी इज अ ग्रेट पिलर ऑफ होल एमएस टॉक्स टीम, रियली कमेंडेबल। तो आपके जितने भी चैट्स आते हैं, पॉडकास्ट जब पे मैसेजेस आते हैं, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, जितने भी लोग, एक एक चीज का हर किसी को रिप्लाई देना, इसका ध्यान रखना। यू रॉक्ड इट, यू रॉक्ड इट। She can also be a great speaker. Last time. Great. Thank you so much. In fact, I'll share one quick incident with you all. Yes. I remember we did one event back in 2019, just 1 year back. We were at Institute of Professional Studies, IPS, Gwalior, Madhya Pradesh. And one of the anchor was supposed to be a part of this event. I hired a professional anchor from Gwalior itself. But I got to know due to some urgent emergency, she could not join us. And then while I was searching for some anchor, I could not find one suitable one. And that very moment, I was thinking whom I can approach for anchoring the event, because we had elite speakers in the event. There were more than 350 people in the seminar hall who were supposed to attend. And while I was thinking, I could not find anyone, and I was a little upset. Remember that, Kara? You remember that time? And I told her that what to do about the anchoring profile, who will get finalized for this. And then she said, "My pleasure." And that very moment, I actually thought ki aap kar sakte ho. So she said, "Let me try." And I think for 1 week, next 1 week, she worked very hard on writing all her script, introducing everyone. And finally, she anchored the entire event. I remember she was on the stage. She kept on asking me, "Mujhe ab ye bolna hai na, mujhe aise karna hai na." She worked very hard. In fact, that was the first time ever in her life, from a non-speaking background, speaking in front of 350-400 people, editors, good quality speakers, talking in front of them is not so easy. And then handling the entire event and facilitating the event as an anchor was the task she had in her hand, and she did it successfully. So congratulations, Kara. Today also you have proven that you have that ability to speak impromptu, and you have just done that. God bless you. Lovely. Wow. So sweet. Kya baat hai. Thank you so much, Kara ma'am. God bless you. God bless you. Right. All right, dosto. अब टाइम आ गया है, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो अगले आ रहे हैं वो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट स्पीकर हैं, वन ऑफ माय फेवरेट स्पीकर अगेन, एंड जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस ग्रेट ह्यूमन बीइंग एज वेल, यू नो, सो एंड इट्स रियली माय प्लेजर टू इनवाइट हिम टुडे, इट्स रियली माय ऑनर। सो बुलाने से पहले इनके बारे में हम कुछ जानते हैं कि ही इज एन इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर, ही इज अ लाइफ कोच, political and defense analyst, corporate trainer, and he is our none other than guest speaker, you know, mentored by our dearest author Sherry sir, and recently jo hai jinko main bulane ja raha hu, inki ek latest movie aayi hai jiska naam hai Yara, or let's invite our Yara Major Muhammad Ali Shah. Dosto ekdam zordar taaliyan ho jaye, Major Muhammad Ali Shah. Ali bhai, thank you, you? Thanks, Gaurav. Thanks a lot. Sherry bhai, sat sri akal, ki hal chal? Hi, brother. Good evening. Good to see you. Hi, brother. Same here, bhai. First, let me wish everyone greetings to Renu ji, to Archana ji, to Gaurav, of course, brother, Shikha ji, Atul bhai. Wait, where? I can't see the gallery view now. Yeah, Atul bhai, Deepak bhai, Kara, hello. Hi, Tavin is so much fan of yours. So sweet. Thank you very much. Gurdeep ji, Amarjeet ji, Subhash sir. How are you, sir? Good to see you, sir. Ishpreet Kaur, Sat Sri Akal, Ki Hal Chal. Amrita, Suruchi, Lipsa, Divya, Bharati, Tavleen,
विस्मान साहिबा सुपर सुरेश इश्विंदर भाई हेलो एवरीवन थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर शरीफ भाई काला It's a pleasure to be here, and I'll narrate a small story to you all. In the year 1998, you know, I went to Pune to do my graduation. A friend of mine, Hirendra Pratap Singh, and I went into a restaurant, Vaishali restaurant, tha, FC Road mein hai, Pune mein, Ferguson College ke bahar mein. And there was a very beautiful girl, just like one of us sitting over here. I'll not name, but one of you only. So she was sitting there, and you know, she was aise karke wo hume wo dekh rahi thi. To hume laga yaar, hume dekh rahi hai yaar. Hirendra kehta hai, Ali. She's looking at us, man, come, come, let's go. Are you mad? Thappad khaoge, don't go there. Aray, yaar, chal, chal, chalte hai. To usne himmat karke, wo jaake, kursi khichi apni uske baazu mein, wahan baithne lag gaya tha. Jaise hi wo baith raha tha na, this beautiful lady over there, who was sitting there and watching us and talking to us, and she was actually saying, where were you? I was waiting for you all. Come and join me for a cup of coffee, please. Usi ladki ke baazu mein baitha, that girl was sitting like this. She took out a mobile phone from there. Mobile call off kari, bola, A waiter, two black coffees, please. She thought उसके बाजू में जो आके बैठा है ना वो waiter रहा है. And we did not know where to look. So, भाई, this is how important a communication is. Now, similarly, in the year 2005, what happened? I was posted in Nagaland in Rangapahad, Dimapur. तो मैं golf खेला था. Golf के बाद मैं clubhouse गया नींबू पानी पीने के लिए. And after the round of golf, I had kept my golf balls in my pocket and I went there. And so there were these ladies who had finished a four ball of golf and they asked me, Captain, tab main captain tha, theek hai? Captain Shah, what is this bulge that we see in your pocket? I said, ma'am, no, these are golf balls. You know, I just played my golf. My dear, I had heard of a very painful thing called tennis elbows. Golf ball must be very painful. And I was like, oh God, I died out of embarrassment. Ab kya hua? 2009 ki baat hai ye. A friend of mine went to Paris to perform a play. Ab wo play stage pe ja hi raha tha. He forgot. He learned bonjour, comment allez-vous, you know, basics of French. Ab bhaiya, ab karna kya hai? How do you address ladies and gentlemen? So he went, quickly went out of the stage. Jahan pe washroom hota hai, the toilets. He read over there, haan, ladies toilet and gents toilet. Theek hai. Okay, wo padh ke aaya and he came and he addressed the people in French. In French, kya bolta hai wo? Good evening, ladies' toilets and gents' toilets. Because he had memorized that and he had come. Ab sochiye, what communication and how important communication is. We all know. Speaking English is different, speaking Marathi is different, speaking Hindi is different, and communicating is different. Like, for example, a dog. A dog's eyes are actually the most expressive eyes in the whole world. आप एक डॉग की आईज देख लोगे आप समझ लोगे कि व्हाट इज अ डॉग ट्राइंग टू कन्वे टू यू साइलेंस इज गोल्डन मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन कन्वे समथिंग इन साइलेंस मेनी टाइम्स इट कैन बी बाय अ हैंडशेक बॉडी लैंग्वेज अरे हाथ मिलाने से भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी यू कैन नो व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट सम पीपल आर वेरी डोमिनेटिंग सो दे विल शेक हैंड लाइक दिस हेलो हाउ आर यू कोई लोग एक्सेंट मारेंगे भाई एक्सेंट मार रहे हैं तो आप समझ जाएंगे भाई एक्सेंट में स्टाइल मार रहा है ये बंदे इसको या तो कोई कॉम्प्लेक्स होगा हमारे से या तो इसको खुद ही ट्राइंग टू हाइड हिज कॉम्प्लेक्सिटीज सो सिमिलरली अ लॉट कैन बी कम्युनिकेटेड इन अनसेड कम्युनिकेशन इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नाउ इन टुडेज वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज कम ऑनलाइन डिजिटल इंडिया द वर्ल्ड इज गोइंग टू गो डिजिटल एज वेल सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग मिलते हैं अभी और तो शरीफ भाई का इवेंट हुआ था हमारा हम मिले थे गुड़गांव में होटल में ही लुक्ड आफ्टर सो वेल वी हैड अ फर्स्ट टाइम एवर लास्ट ईयर 21 दिसंबर 2019 आई विल नेवर फॉरगेट द डेट ऑफ द शरीफ भाई वी हैड द फर्स्ट टाइम एवर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप वो अब ऑनलाइन आई ऑनलाइन इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग चैंपियनशिप हो रहा है अब ये ऑनलाइन हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सो नाउ क्लासेस आर बीइंग ऑनलाइन माय सन इज इन क्लास 3 He is having his classes online. I'm a visiting faculty at Subhash Guys Whistling Woods International. So, mere students ke liye hum log online classes kar rahe hain. When the going gets tough, the tough get online. Ab kehte hain bhai offline classroom mein ya hall mein ya auditorium mein hum ye communicate kar pate. Abhi webinar hai, isliye hum ye communicate kar rahe hain. Bhai, ye bataiye aap mere ko. Driving hota hai, driver jo hota hai, wo ek highway pe gaadi kaise chalayega on an empty street? Wohi driver In Chandni Chowk, in a crowded street, वो गाड़ी कैसे चलाएगा? फर्क होगा ना? He will know how to shift gears. है तो वो driver, फिर भी
So driving aati hai. Similarly, as not just speakers, no, there are many times as Autoshari Bhai said, and Kara, compliments to you, because you, I think you're a brilliant speaker, and as what I hear right now, amazing. You need courage to come and speak before audience like that. But even in silence, when you can communicate a lot, as communicators, we will have to just shift gears. कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है. अब शाम के वक्त जब मैं टीवी पैनल्स में जाता हूँ कभी कभार, जैसे I was live just now, some time back. So at times, if I am just raising my hand, I am not screaming or shouting. And my way of debating is there on my YouTube channel. You can see over there, it's by my name, Mohammed Ali Shah. I don't shout and scream. I don't have to shout and scream to make a point. Sometimes, calmly, if I make a point, भाई कोई डिबेट नहीं कर पाता है. क्यों? I am quoting facts. I am quoting data. I am speaking the truth. I am giving logic. अब logic के आगे तो कोई communication नहीं हो सकती. So I want to say to you all, thank you very much for having me over here, Autoshari Bhai. Thank you very much, everyone. And it's great. And it's great learning for me to hear such wonderful speakers over here. Thank you very much. Keep up the spirits. Jai Hind. थैंक यू सो मच अली भाई, लवली. क्या बात है, क्या बात है दोस्तों. आपने देखा पावर ऑफ कम्युनिकेशन का जादू लाइव. हमने देखा जैसे ही अली भाई आए, सबसे पहले एक एक का नाम लिया. सच अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट, द वे ही स्टार्टेड, द वे ही वाज गिविंग एग्जांपल्स, इंसिडेंट्स. वाओ, आई मीन और आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट अली. अली इज द मोस्ट हम्बलेस्ट, the most committed, the most focused, and one of the most dearest person in my entire circle. And I'm saying this by heart because he lives this. He is absolutely a gem of a person, and he lives every bit of the word which I just said. I have seen him. It's been अलवाइ 1.5 year of friendship. इतना time हुआ है हमें, डेढ़ साल में. बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई. But ऐसा लगता है we know every each other for years now, and actually ये quality इन्हीं की है. ये इसमें मेरा, मेरी तरफ मत देखिए आप, मेरा कोई credit नहीं है. It's two way brother, it's two way. ये अली का credit है इसमें, और ये बहुत humble है, और ये इतने अच्छे परिवार में रह रहे हैं, और इन्होंने अपने आप को जैसे अपनी लाइफ में ग्रो करा है, वो भी एक इंस्पिरेशन है. इंडियन आर्मी में इन्होंने सर्व किया, बॉलीवुड में ये मूवीज करते हैं, लगातार हिट पिक्चर्स कर रहे हैं, एज एन एक्टर अपने आप को एस्टैब्लिश करा है. कोई आसान काम नहीं होता है एक ऐसे बैकग्राउंड से आना, जब आपको एक्टिंग में आना है, अपने आप को एस्टैब्लिश करना है, एंड ही डिड दैट. सो कुडोस टू यू अली भाई, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू विद अस एट पब्लिक स्पीकिंग कार्निवल. मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 100 पब्लिक स्पीकर्स आर एक्चुअली द 100 मेंटीज विच आई हैव प्रिपेयर्ड इन द पास्ट 30 डेज. I don't know whether you have got the time because you were busy in movie promotion of Yara. ये हमने ये 100 public speakers तैयार किए हैं जो अब as a speaker यहाँ पे stage share कर रहे हैं, और ये जितने भी public speakers हैं इनको मैंने evaluate करा और आज इनको ये platform दिया. So this platform is for all these people who wanted to speak or who had the dream to speak somewhere. तो अब हम लोग क्योंकि COVID-19 की वजह से physical event नहीं कर रहे, तो हमने ये decide किया कि let's do this event online. So that's how this entire public speaking carnival was initiated, and today is the final day and the last set of, I would say, phase 4 of public speakers. And you coming and gracing the occasion is really, really awesome. I am so glad that you came. I know you were busy. मुझे पता था आप busy हैं. आप बोलते नहीं हो कभी भी मैं busy हूँ. आप बोलते हो मैं आ रहा हूँ, मैं पक्का आऊँगा. You never say that I'm busy. I know you are committed at many places, but still, this is what I like about you, that you never say no, aur aap aate bhi ho. So God bless you. Aap aise rise karte raho. And I want you to share some key tips also on public speaking. Abhi aapne jaise talk start kari, aap thoda sa public speaking ki guidance bhi do sabhi ko, kyunki you are one of the finest speakers which I know, and you are the highest TEDx talk speaker giver in the world. Highest TEDx talk diye hain. Ali bhai 16 hai, if I'm not wrong. Yeah, absolutely right. Bilkul, bilkul Shreya bhai. 100%.
16 TEDx talks. मैंने 3 दी हैं and I got an opportunity to share platform with Ali also. My honor, it was my honor. Shari bhai is also very humble, but it's my honor, genuinely. And let me tell you one thing. Bhaiya, 16 TEDx talks diye hain, Hindustan ke bahar bhi diye hain. Magar jo response मैंने author Shari bhai का देखा, oh my goodness, it was mind blowing, fabulous. मतलब a standing ovation then there. उसके बाद शरी भाई चले गए थे. He had to drive up to चंडीगढ़. I had told शरी भाई रुक जाइए भाई, मेरी टॉक है. मगर भाई इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, वो मेरी टॉक के लिए रुक पाए, कोई बात नहीं. But शरी भाई, I have to tell you, after you left, you should have seen the ripples that were created with your talk. And I felt so proud to say, भाई, he is my friend. Really. My pleasure. Thanks, Ali, for this acknowledgement. Really amazing. आप थोड़ा सा बताओ, आपने अभी ये जो टॉक डिलीवर किया, अभी आपने जो किया, अब इसमें कुछ आपका प्रिपरेशन था, कुछ ऐसी चीज आप बताओ, थोड़ा सा कुछ 2-3 टिप्स यू वांट टू गिव टू ऑल द पब्लिक स्पीकर्स, जस्ट टू गिव सम वैल्यू. या श्योर भाई, लाइक आई नोटिस दैट यू स्टार्टेड विद अ स्टोरी एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई नोटिस बाय द वे, बट आई रियली वांट यू टू शेयर यू नो विद एवरीबॉडी सम वैल्यू. या श्योर भाई, as firstly let me first bring one point first. As author Shari bhai said that he noticed one thing, I started first with a story. Okay, let me tell you about my journey into public speaking professionally. I had been doing public speaking from the time I was a small child. There was an incident where I forgot my lines also on stage, and out of embarrassment I came back on stage. But thank God I had that setback, I had that failure. I cried so much. I said, how could I was in class 7 that time. Humiliating, yeah, I'm stage pe ho aap, ab line bhool rahe ho bhai. Uske baad wo galti dobara nahi hui kabhi bhi. And what I learned professionally, I'm relatively very new. I'm the junior most amongst all of you, actually, all of you put together in public speaking, because my journey into public speaking professionally only started last year in 2019. Usse pehle, yes, I would speak, I would address people. I gave my first TEDx talk ever in this world last year, 2019. And वो टॉक हुई थी शुरू थी अमृतसर में फ्रॉम माउंट लिटरा जी स्कूल टेडेक्स यूथ इवेंट. भाई 18 मिनट का टेडेक्स होता है, ठीक है. 15 मिनट में आई डोंट नो व्हाट रेजोनेटेड, व्हाट कनेक्टेड. जो मैंने सीखा वहां पे, मैंने सीखा मेनली कि चाहे ऑडियंस एक हो चाहे 1 million, दिस वन कॉमन थिंग एवरी वन इज लुकिंग फॉर, एंड दैट इज अ कनेक्शन. यू कनेक्ट विद द ऑडियंस. An audience is yours. You are there. और वही कहानी होती है फिल्म इंडस्ट्री में. अभी जब मैं I'm shooting right now, not right now, sometime back before the pandemic. भाई फिल्म इंडस्ट्री में कोई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्टर cannot promote your career. कोई नहीं. Nepotism की बात है. No one can do it. It is the audience. दर्शक ही बनाएंगे आपको. Similarly, in that 15 minutes में the audience in Amritsar got up and gave me 3 standing ovations during the talk. भाई मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ. सो आई सेड स्टैंडिंग ओवेशन क्या होता है. आई डन थिएटर विद टॉम वॉल्टर, विद मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, उनके जिनके नाम पे ही लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे देते थे, ठीक है, वो शो के बाद. लेकिन शो के मतलब टॉक के दौरान लोग खड़े हो रहे हैं और वो इज्जत अफजाई कर रहे हैं, एंड दैट वॉज लाइक वाओ. एक होता है भाई यार बोर हो गया, अब भगाओ इसको यार, भगाओ ताली बजाना शुरू कर दो, ठीक है. बट इट वॉज अ जेन्युइन स्टैंडिंग ओवेशन. उसके बाद एक हफ्ते के बाद आई गॉट अ टेडेक्स इवेंट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन हैदराबाद, टेडेक्स CMRTC. वहां पे भी वही फिनोमेना हुआ. एवरी लाइन आई वुड स्पीक, आई डोंट नो, डू आई स्पोक नॉट व्हाट आई वांटेड टू स्पीक, आई स्पोक व्हाट आई थॉट द ऑडियंस वांटेड टू हियर, ठीक है. तो इट रेजोनेटेड विद देम, इट क्लिक्ड. नाउ उसके 10 दिन के बाद रायपुर से आया इंजीनियरिंग. ऐसे करते करते एक दौर ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा आया कि जहां पे कहीं पे भी जिसको टेडेक्स का लाइसेंस मिला हो और मेरे को इनविटेशन मेल नहीं आ गई हो. अब यू नो द एंड आई डोंट से इट, आई मीन इट व्हाट आई से, आई स्पीक फ्रॉम माय हार्ट. जो दिल में है वो बोलूंगा, और बिकॉज मेरे दिल में जो होता है वो मैं बोलता हूं. इट समवे कनेक्ट्स टू पीपल, एंड व्हेन इट कनेक्ट्स टू पीपल, ऑडियंस आर विद मी, दे आर लिसनिंग. Like there are few things, like for example a storytelling format, theek hai, kyunki author Shari bhai ne notice kiya, don't be a storyteller, be a story shower. Jab story bol rahe hote hain to story mat bataiye, aap unko wo scene create karke dikhaiye.
फर्ज करिए अगर मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैं फौज से आता हूं तो आपको एक थोड़ी सी दास्ता मैं करता हूं। मैं मेरे एक सीनियर थे फौज में कैप्टन कैंगरूजे, उनको हम कहते कैप्टन कैंगरूज, उनके अलग अलग नाम थे एंड जो जवान थे उनके दे वुड कॉल हिम नीम्बो साहब आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ निकनेम जो बहुत पॉपुलर होता है उनके एक निकनेम दिया जाता है। सो 28th June 1999 व्हाट हैपेंड 1999 द कारगिल वॉर ब्रोक आउट राइट। So 28 June 1999, Captain Kangaroozy and his troops, his platoon was deployed at the Indo-Pak border along the line of control in Kargil. They had just returned from a midnight patrol. Renu ji, please sir ko hi bolega. It was nice seeing him. He was on the phone, I know. But please say hi to him. I know. Very sweet of you. You went out to call him to here. Very sweet of you. I'm very touched by that gesture. Thank you very much, ma'am. Then what happened, he was deployed in line of control and post midnight he received orders ke bhai dushman ka ek morcha hai on that particular hill unko jaake wo destroy karna hai. Ab raat ke 12 baj chuke the, barf pad rahi thi, bahut hi zyada thand thi, matlab jo hawa kaatti hai na zoo zoo wali, matlab it was very very cold. Aur fauj mein hum ye nahi keh sakte ki 9 to 5 job hai, bhai hum chutti ho gayi hum main ja raha hu. 5 बज गए अब दुश्मन हमला नहीं करेगा, अब मेरे खाने का टाइम हो गया तो मैं खाना खा रहा हूं, अब मेरे रेस्ट टाइम हो गया मैं सोने वाला हूं। नहीं, यू हैव टू बी अलर्ट 24/7। सो कैप्टन कैंगरूज एंड हिज प्लाटून ऑफ 10 ब्रेव मैन स्टार्टेड फॉर द एडवांस टुवर्ड्स द एनिमी बंकर टुवर्ड्स दैट पोस्ट। द एनिमी वॉज देयर ऑफ कोर्स बट द ग्रेटर एनिमी वॉज द वेदर, द कंडीशंस, द क्लाइमेट, the lack of supply, the lack of oxygen. Imagine us mahol mein Captain Kangaroos jo sabse front se lead kar rahe the, 90 degree climb, huh? Vertical climb, mountain equipment ke sahare se wo chadhne lage upar. Uske baad pe jab chadh rahe the upar, raat ko kya hota hai, sound travels faster than in the daytime. The enemy got wind कि यहां से मूवमेंट हो रही है, यहां पे हरकत हो रही है, हो सकता है कि इंडियन आर्मी के कुछ सिपाही कुछ फौजी यहां से चढ़े हों। उन्होंने नाइट विजन बायनोक्युलर से देखना शुरू करा और उनको दिखा कि कुछ फौजी चढ़ रहे हैं ऊपर। अब दे समथिंग नोन एज एन इफेक्टिव रेंज एंड समथिंग नोन एज अ किलिंग रेंज फौज में खासतौर से। फर्ज करिए मेरा हथियार अगर 700 की दूरी पे फायर करता है, ठीक है, मतलब गोली जाएगी दुश्मन के पास, छू के गिर जाएगी 700 मीटर पे, ऑन किलिंग रेंज विच मींस, हेलो सर, हेलो मिस्टर महेंद्र, हाउ आर यू सर, गुड टू सी यू सर, व्हाट्स योर नेम, आई एम मेजर मोहम्मद अली शाह सर, मेजर मोहम्मद अली शाह, मारना जरूरी नहीं है वैसे मेजर, ठीक है, राइट सर, राइट सर, राइट सर, अच्छा फिर अब गोली जाएगी मतलब दुश्मन को 300 या 400 मीटर पे तब मैक्सिमम डैमेज होगा, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेंज। तो दुश्मन ने इंतजार करा कि जब हमारे सोल्जर ऊपर चढ़ेंगे तब वो फायर खोलेंगे एंड दे केप्ट वेटिंग फॉर देम टू क्लोज इन। जब हमारे जाबाज फौजी करीब 300-400 मीटर की दूरी पे थे उनसे, दुश्मन ने उस टाइम पे दे ओपनड इनडिस्क्रिमिनेट fire in all directions from where our troops were climbing from. Where they were climbing? All over there were bullets being sprayed. Har jagah pe. Aur bachna bilkul namumkin tha wahan pe. Aur hamari seekh lai hoti hai, hamari training ke time pe sikhaya jata hai, jab dushman ki fire aati hai, sabse pehla kaam aap kya karo? Aap aag pakdo, apne aap ko bachao. Only if you can save yourself, will you be alive? Ali bhai, ek fire meri taraf se aa rahi hai. Bacho, 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 bacho. Sorry, Ali bhai, main maafi chahunga sabse pehle. Actually, we have limited time. We would love to listen more, but other speakers are there and we have time limitations. So, मुझे बिल्कुल बहुत खराब लग रहा है आपको रोकना, बट मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, धड़ 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 करते हुए मैं आपका मौका ले लूं, बट थैंक यू सो मच, हार्टी ग्रेटिट्यूड। एंड दोस्तों, इनकी जो लेटेस्ट मूवी है यारा, आप जरूर देखें, ही इज द नेफ्यू ऑफ अवर ग्रेट यू नो नसीरुद्दीन शाह, और बहुत जबरदस्त इंसान है ये, ग्रेट ह्यूमन बींग, और हम इनको जब भी मिलते हैं
बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट आज टाइम की कमी से मैं अगेन माफी चाहूंगा, लेकिन आप प्लीज अपना प्यार बरसाते रहें। सॉरी आई डिडंट रियलाइज दिस, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती है, मगर अगर ये कहानी कंप्लीट सुननी है तो मेरे YouTube चैनल पे है ये कहानी, में बताई है, मोहम्मद अली शाह के नाम से है, सब्सक्रिप्शन इज फ्री, शेयरिंग इज फ्री, आप लोग शेयर करिए, एंड आई वांट मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स टू कम, इट ओनली हेल्प्स मी टू रीच आउट टू मोर पीपल विद माय टॉक्स, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड गॉड ब्लेस यू अली भाई, स्टे ब्लेस्ड, सैल्यूट। ऑल राइट दोस्तों, विद दिस ग्रेट अमेजिंग मैजिकल टॉक अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट इज विजय शंकर, round of applause for Vijay Shankar. Very good. Time starts now. Very good. Am I audible? Yes, you're audible and visible. Very good evening. Myself Vijay Shankar Sen. I am from Guwahati. Communication is one of the very powerful word. What is communication? Communication is the transfer of message from the sender to the receiver. In the world, whoever the big leaders, eminent speakers, their basic strength is the way they communicate. Normally, we understand the communication through verbal, through written, through gesture. It may be verbal or maybe non-verbal. But one thing is sure, the power of communication is the best. A leader has to communicate with his followers to his gesture, the proper word, usage of the word, that's very important. First part, the communication helps to build up our credibility with the receiver. How? What we communicate, it comes to our gesture, it comes to our words, the selection of the words. That's very important. If I say, I love you, to my wife, they understand the feelings. So communication is the way to express our feeling. If I say to my daughter, don't touch this, this is dangerous for you, she understand this is my father's order and something has happened if I touch that. If I say to my subordinates, friends, do it, they understand this is a commanding. So the communication skill always build up a different parameters that how do I communicate that? Yes, it's help to convince a person, to help a person to understand what I want to say. So power of the communication is all about how do we convey our message to them. Thank you so much. Hey, Dara, abhi to ek minute bacha tha. Khub bolo. Very nice, Vijay bhai. Very nice. Thank great. Thank you so much. Lovely. All right, dosto, with this amazing, powerful communication talk, let's move on to our next speaker. And next, I would like to invite is Preeti. Preeti Kaur. Maybe a round of applause for Preeti. Preeti ji, over to you. Hello to all. First of all, main maafi chahti hun. Thodi main late ho gayi. Arey, aapka naam Satendra Singh likha hua aa raha hai. मैंने प्रीति को बुलाया है। Actually, we are both brothers and sisters, so might be the ID would have been same. अच्छा नहीं, मैं बस चेक कर रहा था। Please continue. Your time starts now. Yes. About communication, I will say that communication is something that has been with humankind even before we existed. When we were not there, there were words, there were communication, not just from our mouth or from the mouths of people, but if we talk about the existence of animals, even they used to communicate. So I think communication is something that has bind us together in the form of a string. And when it comes to its power, so that we get to know about the notion that we use, or the flow we are into, or communication, it portrays what kind of mindset we are into. Okay, say when we are in anger, then the communication that we portray with others, it gives a very, a very negative impact on other people's mind. And on the other side, when we are happy or when we are very positive, then whatever we convey to our colleagues, to our family members, to our friends, it all together puts a very
you know, as we, what kind of mind we are into, the same thing that we convey into them. And one thing very important I would say about communication is that once there was this little kind of an experiment done, and it was done on water. It was done by scientists, and the structure of water that was observed with the help of, you know, microscope, with the help of, you know, all the lab equipments, and the structure of the water molecule was observed on the basis of what kind of communication we did with water. I repeat, with not any human, not any animal, but with water. 1 minute left. And it was observed that when with water, some music was played, or some, you know, there was or kind of things like when we expressed our gratitude, our thanks, the structure was very beautiful. And on the other hand, when sorrow or grief was expressed, then the particles observed, they were very haphazard. And that is how powerful communication is. Thanks. Awesome, awesome. Very nice, Preeti ji. Lovely. Great. You rocked it. All right, dosto. Hum badh rahe hain hamare next speaker ki taraf. And next, I would like to invite is Nikhil Kumar Rai. Nikhil ji, you here? Nahi hai. Okay, Nikhil nahi hai. Next we have is Patan Muhammad. Just speak their names and go ahead. Fast. Okay. Next we have is Prabhjot Kaur. Amarjit is back, I guess, if you can check with Amarjit. Okay, Amarjit ji. Please hello bol dijiye. I hope main is baar aapki awaaz sun paun, hum sab log sun paaye. Amarjit ji, aap hame sun sakte ho? Yes, hello, am I audible now? Yay, finally, you're audible. Yes, done it. I have switched my device now. Okay, please go ahead. All the best to you. Your time starts now. Okay. First of all, thank you so much, Sarisha, for being with us throughout this whole journey. Today's topic is on communication. So as per me, communication, jaise Atul ji ne bhi kaha, एक टू वे प्रोसेस है. कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर हमें नॉलेज है तो वो आकर हमें सिर्फ आउटबर्स्ट होना है, अपने व्यूअर्स को देखे बिना बस बोलते ही जाना है रिगार्डलेस ऑफ द टाइम, रिगार्डलेस ऑफ देयर फीलिंग. तो ये एक टू वे प्रोसेस है जिसमें हमें ऑडियंस का फीडबैक भी देखना है कि ऑडियंस हमसे चाहते क्या है, क्या ऑडियंस को सच में हमारी बात सुननी है, क्या उन्हें कुछ सच में हमसे गेन हो रहा है, या हम अपना ही ब्लाबला करके स्टेज से उतर गए हैं. तो एक गुड स्पीकर के लिए कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है कि वो अपने ऑडियंस को इंगेज रख सके, उन्हें कुछ ऐसा डिलीवर कर सके जो आज से पहले उनके पास नहीं है, तभी शायद ऑडियंस भी हमारे साथ इंगेज होंगे. वो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन की पावर हमें तब पता चलती है जब या तो आप किसी के दिल में उतर जाते हो या फिर आप किसी के दिल से ही उतर जाते हो. कई लोग ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं जिन्हें शायद हम बात करना तो क्या, 2 मिनट सुनना भी पसंद नहीं करते. हम अगर सोचे तो हम सबकी लाइफ में ऐसे एक या दो लोग जरूर होंगे जिनसे हम एक दो शब्द भी शायद सुनना नहीं चाहते. सबके साथ ही ऐसा होता है. अगर मैं सोचूं तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा है जो हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को पसंद ही नहीं आता. शायद उनकी बातों में इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम उनसे बात करना तो दूर, उनके साथ शायद बैठना भी नहीं चाहते. बिकॉज उनका नेचर शायद अपनी बात को शेयर करना नहीं, हमें डोमिनेट करना होता है. तो कम्युनिकेशन भी एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम अपनी बात को शेयर करना चाहते हैं, शेयर करते हैं, ना कि किसी को डोमिनेट करके उसको कन्विंस कर लेते हैं अपनी बात के लिए. तो कम्युनिकेशन जैसे कि यू कैन से कम्यून मीन्स इज टू शेयर योर व्यूज, नॉट टू कन्विंस देम एंड डोमिनेट अदर्स. तो कम्युनिकेशन पावरफुल बनाने के लिए भी हमें कुछ ऐसे टूल्स ही अपनाने हैं जिनसे हम अपने ऑडियंस को ना सिर्फ इंगेज बल्कि उनको एक लाइवली कुछ वर्दीनेस दे कि हाँ, अगर हमें वो कुछ सुन रहे हैं तो दे आर गेनिंग समथिंग. और मोर ओवर एक ट्रस्ट बिल्ड रैपो जो है वो आपको अपने आप से ही एक मैनेज करनी है कि कैसे आप ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करके उन्हें कुछ वर्थफुल दे सकते हैं. थैंक यू सो मच.
क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए अमरजीत जी के लिए. वेरी वेरी नाइस, क्या बात है, लवली. एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी कि भाई आप फाइनली आए और आपने अपनी बात रखी, अपना कम्युनिकेशन टॉक रखा. ऑसम, गॉड ब्लेस यू. एंड दोस्तों इसी के साथ, हाँ जी प्लीज आप म्यूट कीजिए पहले. यू आर नॉट ऑन म्यूट. ओके, सो अमरजीत हैज जॉइंड अस व्हेन शी वाज स्ट्रगलिंग विद हर वॉइस, विद हर पिच, विद हर कंटेंट. इनको कुछ भी नहीं मालूम था ठीक से, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट शी कैन स्पीक इन अ फ्लो. एम आई राइट अमरजीत, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आर यू हियर? यस, बट एब्सोल्युटली. बट टुडे if you will notice the way she is talking, and in the last few videos where I have noticed her talking, she has come out brilliantly. And not only speaking, she has started using her feelings, emotions, expressions in a great way. Miles to go and lots of things we have to learn from you, sir. God bless you and keep rocking. Thank you very much. Over to you, Gaurav. Thank you so much, Hari Bhai and Amarjit ji. You rock. Stay blessed and so happy to see your better version. Great. All right, dosto, time aa gaya hai. Hum apne next speaker ko bulate hain. And next I would like to invite is Satish Kumar. Satish ji, you are here. Take one, take two. Aage badhte hain. Next we have is Vijay Singh Dubey. Vijay ji, you here? Vijay Singh Thebe? No. Okay, next we have is Kiti Sheth. Sheth. Okay. Next we have is Piyush Ghosal. Piyush ji. Okay. Last but not the least is Gurveen Kaur. Gurveen Kaur ji nahi hai. Okay, so... नेटवर्क का कुछ गड़बड़ हुआ होगा. That's all right, no problem. Please continue. आपका सर सेकंड नेम है ना सुरुचि, एक और नाम लिखा हुआ है. दो सुरुचि हैं क्या? नहीं, मेरे आपके ज़ूम पे जी सोनी आया होगा, बट आई एम सुरुचि सिंघानिया. हाँ वही तो मैंने नाम बोला था, सुरुचि सिंघानिया. इतिहास गवाह है. तो ठीक है, कोई नहीं, आप आ गए. सॉरी सुरुचि, व्हेन योर नेम वाज अनाउंस्ड ऑन टाइम यू वर नॉट देयर, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन रिज्यूम योर टॉक राइट नाउ. ओवर टू यू. जी, सबसे पहले तो पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी. टीम के बिना तो कुछ काम नहीं होता है. तो शेरी सर और उनकी पूरी टीम. अब ये वीडियो क्यों बंद हो गया? हेलो, हाँ, तो कम्युनिकेशन तो हम लोग को बाइंड करता है. अभी कम्युनिकेशन तो हर जगह पे है. कम्युनिकेशन तो हमको जोड़ के रखती है. अभी आप जैसे देखो कि हमारे अंदर के सेल्फ को जोड़ के रखती है, गैरों से दूर के रखती है और सोसाइटी के साथ जोड़ के रखती है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जो हमारे थॉट्स, हमारे व्यूज, हमारे फीलिंग्स हम लोग एक्सप्रेस करते हैं. शायद वर्बल होगा या ऑडियो रहेगा या विजुअल, कोई डिजाइन के थ्रू रहेगा और कोई स्पीचेस के थ्रू, जेस्चर के थ्रू रहता है, स्लोगन के थ्रू रहता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रहता है. वो एक अच्छा कम्युनिकेशन है. अभी फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अपने स्पीच में बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. कितने सारे उनको फॉलो करने लग गए. ये एक अच्छा कम्युनिकेशन है. दूसरी तरफ एक बेटे ने दूर से अमेरिका से अपनी मम्मी को फोन करके बोला, मम्मा कैसी हो तुम? वो भी तो एक कम्युनिकेशन है जहाँ पे की मम्मी का दिल भर है और वो पूरे महीने 15 दिन 20 वही बात सोचती रहती है कि मेरे बेटे का फोन आया था. एक सिंपल सी एड जनहित में जारी होती है कि स्वच्छ भारत, भारत को साफ रखो, और हम सब जुड़ जाते हैं भारत को साफ रखने में. वो भी तो एक
माध्यम है कम्युनिकेशन का। जब बेटी और घर में और सब जगह कुछ परेशानी हो रही है और उस वक्त बेटी बोलती है कि नहीं आई विल हैंडल, मैं संभाल लूंगी मम्मा ट्रस्ट मी, वो भी एक कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम सब कुछ उनके भरोसे छोड़ देते हैं और वो काम सच्ची में हो जाता है। फिर छोटे छोटे वर्ड जैसे मिस्टर शेरी ने सिखाया था, वो तीन चार वर्ड्स कितने बड़े इम्पैक्ट करते हैं। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आई एम विथ यू, ट्रस्ट मी, और एक स्माइल, कभी कभी एक स्माइल सारा काम पटा देती है हमारा। वो छोटे मोटे कम्युनिकेशन ही हैं जो हमें पूरे दिन में सुनने मिलता है एंड वी कैन क्रिएट मिरेकल्स। थैंक यू। 1 minute left. थैंक यू सो मच सुरुचि जी, वेरी वेरी नाइस। और दोस्तों, शी वाज लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पीकर, एंड कैन वी हैव अ बेटर राउंड ऑफ अप्लॉज, कम ऑन फॉर एवरीवन। Suruchi, we would like to hear from you. You have been one of the most consistent a participant of 30 days public speaking course. If you would like to add on something about how this journey has been with you, you have been one of the most consistent and one of the most contributing participant. Aapki journey kaisi rahi hamare sath? Aaya tha डे, मैंने भेजा वीडियो, फिर मुझे मालूम पड़ा कि ये तो फेसबुक पे खाली ये ग्रुप नहीं देखेगा, पूरे फेसबुक पे सब लोग देखेंगे, पर वो मेरे वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आया था। फिर मिस कुलविंदर जी ने बताया कि नहीं ये ग्रुप में है, सब वही देखेंगे। और उसमें उसी ग्रुप में किसी ने मैसेज किया, अच्छी तरह से करो, अपने आप को एंजॉय करो, बस इसलिए परफॉर्म करो। और मैंने वो बात को पकड़ ली और बिलीव मी 30 डेज में से मैंने एक भी डे मिस नहीं किया, हर एक दिन मैंने अपना वीडियो भेजा है। मैं वेट करती थी दूसरे दिन सुबह कि हाँ आज क्या टॉपिक रहेगा और मुझे देना है। और बिलीव मी, मैं बहुत इम्प्रॉम्प्टू करती थी, मैं कुछ स्पीच लिखती नहीं हूँ, जो मेरे मन में उस वक्त आता है मैं वही रिकॉर्ड करके आपको भेज देती हूँ। तो 30 डेज की जर्नी में मैंने देखा शेरी जी, आपने अच्छों को भी बहुत अप्रिशिएट किया है और हम जैसे जो कच्चे हैं उनको भी आपने बहुत सपोर्ट किया है। तो तकलीफ के टाइम पे, अच्छे के टाइम पे, जो अच्छा करता है और जो बुरा करता है उसका अगर आप हाथ पकड़ के रखे हो तो आप देखिए 30 डेज की जर्नी कितनी स्मूथली चली गई है। और आज हम लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आपका दूसरा सेशन हम लोग ग्रुप सेशन ज्वाइन करेंगे और हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। आज हम लोग जो जूम कॉल पे बात कर रहे हैं, थोड़े दिन में माहौल ठीक हो जाएगा और हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, उसी चीज का बस वेट हो रहा है। और ये 30 डेज उसी सोच में बहुत अच्छे चले गए। God bless you, Suruchi. Thank you for your kind words. Over to you. God. Thank you. Lovely. Very nice, Suruchi ji. And dosto, gana hai kuch to log kahenge, logo ka kaam hai kehna. Logo ka kaam hai kehna. Lo or go. Dosto, ek announcement hai. Aur us announcement ke liye main bulaunga hamari one of the guest speaker today, of course. Let's invite Shruti Verma again. Shruti ji, welcome. Okay, before Shruti starts something, I would like to announce that Shruti is ready to help the entire public speaking carnival public speakers. Shruti is working on the logo of my individual company. Aur aap sabhi ko ye announcement Shruti khud hi karengi, that how she wants to work with all of you, and she has some amazing thing to share which I want to keep it suspense. Shruti, over to you. Yay, over to you, Shruti. Thank you, Sherry, sir. Thank you, Gaurav. I would just like to share my screen first. Yeah. One second. Let me give you the rights also so that immediately you can share. You are a co-host now. Go ahead. You can share the screen. Yes, now I can. Okay, so this is basically an initiative for our public speaking family. I am a professional logo maker and I make other designs as well. So specifically for Public Speaking University and all the participants, I have come up with an initiative to make logos for you all. I can make the logos of your name, but before that I would like to show you some of my work. So this was one logo that I made for one food chain in Delhi, Delhi Bikaneri. This was made for one of the developers that I know, one of my clients. Some other designs are like this.
So if you want to get your logo made by me, you can contact me on this number and this email address. And I would just love to make your logos for your names. Thank you. Okay. Now the offer, Shruti, would you like to share like quickly or Sure. So it's like we are making logos. Just unshare the screen first and then please share your offering with everybody. I guess that is very important because people must be thinking कोई 5000 का logo लग रहा है, कोई 20000 का logo लग रहा है, कोई 10000 का logo लग रहा है. So no, no, no. आप कितने हजार का logo चाहते हैं? ये बता. No, that's not how the normal price goes. Since this is an initiative specifically for this family of Public Speaking University, I'm very much attached to. So I am making logos for just 200 rupees per person. It would be a logo of your own name. So if you wish to get one logo, one for yourself, which is different from others, you can let me know. The price is just 200 rupees per logo. So it's completely how you like it. Wow, just 200. Amazing. Please book mine. Please book mine. My dear friends, it's actually steal away price. I don't know how this girl is coping up. But let me tell you, I've spent thousands for my company logo and I'm honest with you on this, okay? And I cannot quote the price which I have spent, but I can tell you it's in thousands. 5000 se bhi upar hai wo. Aur main aapko ek baat aur batata hu, jo logo ki baat kar rahi hai Shruti, ये मार्केट में इस लोगो का चार्ज लेती है अच्छा खासा, बट फॉर दिस पर्टिकुलर 100 पब्लिक स्पीकर फैमिली सिर्फ 200 रुपीस में एक सैंपल वो देने के लिए तैयार है. दैट्स व्हाट शी टोल्ड मी बिफोर शी जॉइन द सेशन. तो अगर आपको इनसे लोगो बनवाना है, शी इज नाउ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, यू कैन कॉन्टैक्ट हर एंड शी कैन डेफिनेटली क्रिएट अ ब्यूटिफुल लोगो. शी इज मेकिंग वन लोगो फॉर मी. ऑथर शेरी का ये लोगो बना रही है और उन्होंने मुझे एक प्रीव्यू दिखाया था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, उसमें कुछ चेंजेस कर रही है ये. तो आपको भी अगर अपना लोगो बनवाना है, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. 200 रुपए में आपको कोई भी लोगो नहीं बना के देगा मार्केट में, माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी नहीं. अगर नहीं भी बनवाना तब भी बनवा लेना, 200 रुपए कुछ भी नहीं होता. कुछ भी नहीं होता 200 रुपए. इट इज जस्ट हर काइंडनेस फॉर एंटायर कम्युनिटी हियर व्हिच शी इज डूइंग एंड रेस्ट इट्स अप टू यू. थैंक यू वेरी मच श्रुति फॉर दिस वंडरफुल जेस्चर बाय यू. Author Sherry, just allow me to speak for 30 seconds. Go ahead. Yeah. So, मैं marketing domain से हूँ and I have been in this field from last 10 years. जो logo designers creative designing करते हैं ना, 1000 से नीचे तो आपको साथ में बैठने भी नहीं देंगे. So, I was really shocked when she said 200. मैं 2000 expect कर रहा था. She said 200. So, trust me, मतलब ये lifetime opportunity है, दोबारा मिलने ही नहीं वाली. That's guaranteed. Yes. The one who is learning, वो भी offer नहीं करेगा. So well done, Shruti. Thank you so much. Thank मैं you. तो आपको from the bottom of my heart, I want to thank you that you're offering this. God yeah. bless you and mine is booked. वो पहले आप book कर लो, बाकी booking. Ashmi, आप chat room check कर लीजिए और अब हम अपना program को आगे बढ़ा रहे हैं because we are about to wrap up now. Yes. Gaurav, one second, please share the Shruti's contact number here. हाँ, वो group में है, WhatsApp group में. We'll share. जिसका मैं भी पार्टिसिपेंट रहा हूँ. What a great rolling coasting ride. All thanks to author Sherry and whole MS Talks team, and really great surprises we are getting every time regularly. And now it is time ke I would like to request author Sherry sir ki bhai jo bhi journey rahi hai uske bare mein kuch kahe, kuch announcement hain, kuch bhi cheeze hain, matlab bahut sari baatein hain, but of course ya to end karne ka bhi mann nahi kar raha, aisa lag raha hai ki yaar abhi to hum log shuruaat kar rahe hain. पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट इट्स रियली अमेजिंग सी हैप्पीनेस से एक्साइटमेंट वाली फीलिंग आ रही है कि यार कितना जबरदस्त हम लोगों ने जो 30 डेज साथ में बिताए, कितने सारे लोग सारे फ्रेंड्स बन गए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते थे कि वाओ ग्रेट, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जब एक दूसरे के वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना और फिर फीडबैक भी देना, उनसे भी सीखना, इंस्पायर होना. एंड आधा चले सर ने तो एक एक वीडियो बारीकी से देखा है, सो उनसे भी हम सुनना चाहेंगे. What are his thoughts? So over to you, Sherry bhai. Thank you so very much, Gaurav.
First of all, I would like to appreciate you for your efforts, your entire efforts for public speaking, university, MS Talk, and for public speaking carnival is amazingly appreciable. Let's give a huge round of applause for none other than our host of public speaking carnival, Mr. Gaurav Jain, GJ. Thank round you. Round of applause. Three cheers for GJ. He's been super energetic in the tough times. It's 9 p.m. People normally sleep 9 or 10. Sone ka time hota hai, but look at the way he's showing his energy all the time consistently. That is really, really amazing and something to learn from you. We can keep a session how to create energy. Aap uspe DJ hume. Sure. Thank you so much. I'll do that. Speakers will admire the fact that if you can. Sherry saab, kuch 10 second ka time diye to. Please. बताइए. हमने आरजे सुना रेडियो जॉकी, हमने वीजे सुना वीडियो जॉकी, पहली बार हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि जीजे. वाओ, इसका एक्सप्लेनेशन वो देखिए. Wonderful. It's always a gratitude and my pleasure that I'm able to contribute and add value. And lovely Gaurav, excellent. That was excellent. I mean, it's all love of Sherry bhai. I'm just able to, you know, do whatever I can do. Thank you. And over to you, Sherry bhai. Okay. Thank you very much, Gaurav. Now, the time has come to say goodbye to each one of you for this fantastic 30 days of journey with all of you. And I must tell you that each one of you has done appreciable efforts. Most of you have evolved yourself in your public speaking skills. And I must appreciate the fact that not only you have transformed yourself for your public speaking journey, but through public speaking, there is an important skill which is known as grooming. So self-grooming happened with a lot of people and noticed that. And wherever possible, I try to give feedback to each one of you for your betterment. And believe you me, it was not easy for me. And parallelly, it was not easy for each one of you to receive the feedback, accept it, get that mode of learning and learn consistently. I am hoping that being your mentor in these 30 days, I've been able to give value to each one of you. I've been able to do justice with all of you with my feedbacks. Believe you me, it was not easy. First 10 days were absolutely phenomenal, but at the same time, it was stressful for me. But after 10 days, when I got hold to what I'm supposed to do, I changed my routine. I managed my routine, my eating habits, my fitness habits, my reading habits, because I have to manage accordingly. And I did that, and that's the way I have evolved myself too. So it was a transformation for you and for me as well, because I have to be extra proactive with all of you, considering that there was a lot to do. Managing each one of you with your comments, with your replies, it was a gigantic task in front of me, but I could only do this because I have the passion for the subject. And passion for the subject is public speaking. That's my subject. And I always believe that I'm born for this. I'm born to do this. And now it is going to be proven when we create 1 million public speakers by 2030. And I'm glad to see and share with all of you that we have more than 18 states. More than 18 states people have joined in this group. More than 9 countries people have participated. And we have happily given them the feedbacks to hone their public speaking skills. It has been a great journey with all of you. It has been a terrific, terrific way of sharing. Whether it is mentorship session, whether it is one-on-one chat with all of you, whether it is about praising, whether it is about creating the topic, everything was very well planned, but there was one thing which was required, execution. And believe me, execution is the most important and most difficult part of any task. Do you agree with me on this? So execution is always the key. And I'm thankful to God that He has given me this strength that I have been able to execute with my team, with the help of Kara, who has been working with me from thick and through, working hard with me. So
that's the way we have shown it to the world, that we are just not people who are greedy for money. We are here to give transformation. We are here to tell people that we can give you direction. If we have learned something, I am ready to share it to the world. And with this simple philosophy, I went into the market, I started working. And today, with the help of all of you, we have also launched group coaching program. Of course, I have kept an energy exchange in it, but it's a nominal amount. You can easily accommodate it. Even if you can't, you can get in touch with Kara. She can help you. But let me tell you that one important aspect of this entire interaction with all of you is, now you have to take responsibility for yourself. And you have to promise me that from now, you will not leave public speaking. It doesn't matter in whatever journey, whatever sector, whatever profile you are in, whether you are a businessman, whether you are a salaried person, whether you are a housewife, whether you are a coach or a trainer, it doesn't matter. What matters is your consistency. And what matters is the repetition. Repetition is the mother of all skills and the sweet cousin of mastery. And if you really want to do mastery in what you are doing right now, believe you me, repeat after repeat after repeat after repeat after repeat can change your life. It has changed me. So having said that, I won't take much of the time. I am bounded with the time. So I always keep it very precise and concise. That's the way my life has been, being a professional speaker. I want to share a couple of announcements with all of you. We have dispatched the certificates or hard copies on your given addresses as per the Google form. You will be receiving the same within a week's time. Okay, you can receive in 2 days, you can receive in 3 days as per the delivery commutation management by the courier agency. So you can expect that in one, you know, within a week's time. And once you receive that, you can click a picture of yourself and post it in the group that now you are a certified, you have done your certification in 30 days program. So that will be really nice to see your picture with the certificate. That's one. Now coming to the e-certificates, the digital certificates which have been, which are ready right now, but we are not sharing it here on the screen. We will be sending it to you on your respective email IDs individually. And by tomorrow evening, latest by tomorrow evening, all of you will receive your digital certificates as well. That's it from my side. And I also want to conclude that wherever you need any support in public speaking, I'm just a message and call away. And a public speaking university is just not a community, it's a family now. You're a part of this family. Wherever you feel you need any guidance, I'm just a message and call away. Kara is just a message and call away. And each one of us are just a message and call away. That's the power of team. That's the power of a family. That's the power of love. Thank you very much. Shabba khair. Good night. Over to you, Gaurav. Thank you so much. Thank you so much, Adushari bhai. And Gaurav, we all really love you. Really love Gaurav, you. Gaurav ji. Kahan pe aap? Hanji, hanji. Boliye. My God. 10 seconds, because in this entire 30 days, whenever I was struggling with my videos, okay, my daughter used to come and tell me ki, nahi, tum bolo, main shoot karungi. Mera mobile leke. I just want people to say hi to her. Prisha, this is my daughter. So sweet. Yeah. What's her name again? Hello. Hi, how are you? Good to see you. Good to see you. I like your future. My daughter, who out of all the videos, you know, the major videos were, you know, taken by her. She has been very supportive. And why I wanted to introduce her is, Author Sherry ka ye jo program hai, usme family bhi involve ho raha hai. Wow. Family also involving in that, for somebody from their family become a public speaker. So I just wanted to say, this is Drisha. She has been very helpful for me. Lovely. Author Sherry. Kya Gaurav Jain. This is Kara. Say hi. Awesome. Awesome, Sirish. Thanks for sharing this. This really means a lot and added a lot of value to the evening. I'm sure people live are listening to you and going to listen. And it's a great feeling to be a part of this. What Suresh has done today, announcing 25,000 speakers,
You know, he'll be contributing. And now you are saying part of the family. And actually, you know, we are living that. And I'm glad to, you know, say and acknowledge the fact that everybody is now a part of it. Thank you, Sirish. Thank you, sir. Thank you so much, Sirish bhai. And thank you so much, Sherry bhai. Very nice. And dosto, ab kuch music strategic ho jaye. Gana masti. I guess so we have... couple of people have something to say. Announcement meri taraf se. Yeah, couple of people I want to say something. Let them speak if they want. Yeah. Yeah, please. Go ahead, Dr. Saab. हाँ, अगर किसी को बच्चे के केयर से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड या चाइल्ड इमोशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो मेरे से कनेक्ट कर सकता है वो. Alrighty, thank you. That is so kind gesture. Very nice. And anybody else want to say something before we wrap up, dosto? Yes. Yeah, Gaurav, a couple of minutes, if you're long. Hey, Super Suresh ji. Yeah. Yes. Speak us or give us. PKSR, give us. That has been proved by Atul, Dr. Atul. He was ready to give something to our community. Right, dosto. Time aa gaya hai. Hum log music sunne ke liye. Gaurav, let the people speak. I think they want to share something. Let so, Anup, can I request everyone else to please mute jab koi bol raha hai, theek hai? Let Anup wait for a while. Yeah. I have something. Yeah, go ahead. Yeah, can I go ahead? Great, thank you. Well, first of all, Author Sherry, thank you very much. Fantastic 30 days. It's been a very pleasurable experience. And thank you to the entire family of speakers who are here, who from whom I actually learned a lot from every single one of you. And as I've said that in one of my videos. Sir, Author Sherry, I had one question to you. You know, I have consistently heard you saying and that it kind of racks my brain when I hear you say, believe you, me. And I want to understand what's the science behind that. I'm sure it's not a mistake. You do that very, very knowingly, right? So is there an effect of public speaking behind this? Oh, I would say that I just come out of habit of saying, believe you, me, because there's a tendency that people don't trust you easily. We're living in... the kind of universe where a lot of people have different aspects of understanding things. So this is just normal habit, would I say. But yes, sometimes I am mindful when I say, believe you me. I use this word when I'm in my talks also. So yeah, purposely I do that sometimes, sometimes in a flow, both ways. Okay. Okay. In a general life, when you say this at home, then I believe you. I believe you. Don't worry. I believe you. Great. Very thanks. Nice. Gaurav ji, I would like to say something. Yeah, Deepak ji. Great author. Yes. Over to you. Hello, everybody. Thank you, Sherry sir. It was a superb journey for me. I am always trying to do something different. What I have still not been able to. But yes, one thing which has changed is from no one, now I am moving on to someone. Lovely. People are knowing me. And with this, I would like to say for all the group members who are here, I have published a book, which is known as The Third Angle. And if anybody wants to buy it, you will get it on half the price. That's my promise. All right, great. Thank you so much, Deepak ji. The third angle, very interesting angle. And yes, and before we wrap up, Kara ma'am, aapko bhi kuch bolna hai? Okay, so special thanks to Kara ma'am and small little young girl, upcoming great Gaurav public speaker, Tamleen Arora ji. गौरव जी, मैं थैंक यू कि मुझे और भी दो तीन लोगों को और नाम लिखने हैं आपके 10 सेकंड में ना मेरा वो 1 सेकंड के बाद निकल जाएगी. सो थैंक यू टू सुभाष सर, सेक्रेटरी जनरल जी, हमारे जो ग्रेट पिलर हैं. थैंक्स टू ग्रेट लिटिल तवलीन जी, तारा मैम, ऑथर शेरी सर ऑफ कोर्स, एंड ऑल द वंडरफुल टीम ऑफ एमएस टॉक्स, एंड ऑफ कोर्स अवर जो हमारे क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस शो को और सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. और रजत सर का, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका कई बार हम भूल जाते हैं, सो थैंक यू सो मच, क्योंकि स्मॉल स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन इज मेकिंग द रोड टू सक्सेस. तो थैंक यू दोस्तों. और नाउ ओवर टू यू सुरेश भाई. यस, जल्दी से. नहीं, एक ही पूछने का था. आथर साहब जो है, मेंटर साहब का तो हमने सुन लिया,
फिर तवलीन बेटी का भी सुन लिया और एक इम्प्रॉम्प्टू हम और एक सुनना चाहते हैं, आपको मालूम है किनसे सुनना चाहते हैं? मैम ने सुना दिया, आपने मिस कर दिया, अरे कर दिया, आज मैंने बोल दिया। हाँ, अभी रिप्ले देख लेना, ये देखो पकड़ लिया कहाँ गायब हो गए थे। चलो दोस्तों, वी आर स्टिल लाइव एंड अब आई रिक्वेस्ट एनीवन एल्स का, अगर कोई है अब हम चल रहे हैं, क्योंकि देखो टाइम के भी कमिटमेंट करनी है, हमने ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया है, डजंट लुक नाइस कि हम ऐसे वो करते रहे। आपका कैमरा ऑन कीजिए भाई, फोटो से काम नहीं चलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट अपना वीडियो में की। हाँ ये बात हुई, ये आ गए सर हम। हाँ जी सर, सर आई वुड जस्ट एब्सोल्युटली लव टू थैंक शेरी सर एंड कारा मैम who have really improved, you know, our public speaking. And it was very good to have it, be a part of PSU. And we'll definitely try to be attached with both of them so that, you know, in life we can do very well. And one day we shall all become a good public speaker. Thank you so much, Sherry sir. Thank you so much, Kara ma'am. Welcome. And thank you, Gaurav ji, for entertaining every one of us. And I love your voice range, especially. कि एक activeness होती है कि मतलब yes, I am Mr. Gaurav Jain, you know. Thank you so much, ji. Thank you so much. And I think Chitra ji and Amrita ji भी कुछ कहना चाहती हैं. So over to you, Chitra ji. And पहले सर Chitra ji से सुन लेते हैं. तो हमें कभी बोलना है. तो मैं ना ऑथर शेरी को थैंक यू बोलूंगी बिकॉज आई हैड कैंसल्ड माय नेम फ्रॉम दिस कार्निवल एंड देन अगेन आई केम बैक, सो थैंक यू ऑथर शेरी गोइंग आउट एंड कमिंग इन एंड सो लाइक थैंक यू सो मच फॉर अलाउविंग मी। मोस्ट वेलकम चित्रा, प्लीज कंटिन्यू। या so thank you for coming, allowing me to come back author, because I'm sorry I did bother you, but ye har koi ye itni badi dil nahi rakhta, and I would like to ask you author Sherry something, ki jo in 30 days aapne itne sare videos dekhe, so I know you were getting affected by so many different kind of thoughts and vibes, how do you manage to keep yourself so balanced? Okay, that's a good question actually. Okay. Yes, Sherry bhai, nation wants to know. Answer this practically. Well, first of all, I'm a music lover. I listen to a lot of good music. And second, I have good sense of brain chemicals. I'm a brain science student and I follow spiritual science also. Mm. Thirdly, I have reasonably good knowledge about emotional intelligence, which I'm also going to teach in my group coaching program to all of you. Because being good in EQ is something which you need when you are doing public speaking in the forum, in the auditorium or on the stage. And also, at the same time, I have to keep myself fresh. I have to keep my brain chemical of dopamine all the time high. So I have to actually get tuned to the words and the feelings of people. The more I am feeling positive by listening to each one of you, the more I get revived immediately. So, you know, it was just not the task which I took. As I said earlier, I don't know whether you have listened to me moments ago or not. I try to be someone who is passionate about the subject. So once you get into that mindset, then nothing looks boring to you. You won't believe, right. I have to admit this. Whenever I go for the public speaking championships happening across as a jury, they invite me as a jury with all the honor. You know, I listen to all the speeches and I make it a point till then I listen to every speech because I learn from a lot of speeches. I listen to speech. And so all these things done in an honest way are actually going to help you and serve you. So it's the perspective. Your mindset and your perspectives are very important in life. And keep them positive all the time. I think that is what has saved me in 30 days. Or rather, I would say involved me and learned. I've learned a lot. Thank you. Thank you, Arthur Sherry. Thank you, Kara. Thank you for all, everything. Thank you so much, Chitra ji. And dosto, bahut saare logon ke messages aane shuru ho gaye hain ki everyone wanted to talk. Lekin, this is Ramalakshmi, ma'am. Quickly, please. Yeah. Quickly, 5 seconds each. Yeah, 7 seconds, chalo.
Yeah, actually, sir, good evening, sir. Today is my daughter's 8th birthday. Hey, happy birthday! Yes, sir. Yes, sir. Oh my God. So I'm not able to join earlier. Yeah, yes, sir. Wow, so sweet. Happy birthday! Yes. सभी लोग कोरस में विश करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे लिटिल प्रिंसेस हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे சொல்லுங்க தங்கை हैप्पी बर्थडे थैंक यू ऑलराइट दोस्तों सो अब टाइम आ गया है हैप्पी बर्थडे हो गया है एंड नाउ वी आर मूविंग ओवर समबडी एल्स वांट टू गौरव 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 को बोलना है गौरव बोलो मैंने सबको म्यूट कर दिया है अभी जिसको भी बोलना है ना कल बोलना है यार नहीं दादा आपके सिर्फ 10 सेकंड्स लेके पता है 1000 सेकंड्स हो गए मैं एक एक सेकंड का हिसाब कर रहा हूँ एक्चुअली आपको मिल गया है अभी जिनको नहीं मिला है ना जल्दी जल्दी उनसे पूछ लेते हैं ठीक है स्मॉल रिक्वेस्ट क्योंकि देखो आप 9:30 बजने वाले हैं मैं 9 बजे खत्म करना था सो उसका मैसेज आया था मैं देख लेता हूँ उसी को करेंगे प्राची, आपका नाम क्या है प्राची 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 29 लिखा है अच्छा ठीक है प्राची अरे वो रोल नंबर छोड़ो यार बोलिए जल्दी सबसे पहले तो नमस्ते सबको थैंक यू सो मच मैंने ये चीज पहले भी एडमिट की है कि मैं काफी लेजी इंसान हूँ तो मुझ में हैबिट डेवलप करने में काफी समय लगता है दिस इज द फर्स्ट कोर्स इन माई 21 ईयर्स ऑफ लाइफ जो मैंने सक्सेसफुली कम्प्लीट किया है और अब मुझे आदत लग चुकी है तो मैं रोज 1 मिनट की 2 मिनट की या 4 मिनट की वीडियो बना सकती हूँ आई एम वेरी हैप्पी मेरा बीएस अचीवमेंट उस सर्टिफिकेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट हैबिट सो थैंक यू सो मच कारा मैम शेरी सर एंड द इंटायर पीएससी फैमिली एंड गौरव सर यू हैव अमेजिंग एनर्जी क्या खाना खाते हैं मुझे रेसिपी बाद में बताना थैंक यू सो मच अब बाकी लोग बोले All right. So, दोस्तों टाइम has come. अब कुछ म्यूजिक शिजिक हो जाए म्यूजिक इज समथिंग विच आई जस्ट लव आई एम हार्डकोर म्यूजिक लवर और मैं इनवाइट करूंगा हमारे सिंगर हैं द ग्रेट सिंगर फ्रॉम आगरा अनूप सिंह तो भाई ओवर टू यू कुछ हो जाए रॉकिंग सा सभी लोग डांस के रेडी गौरव आई एम सो सॉरी टू इंटरवीन इन बिटवीन आई थिंक अमृता हैज लेफ्ट कारा इज सिग्नलिंग अमृता वी डोंट यस 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 टू फील बैड दैट मुझे मौका नहीं मिला तो कोई बोलना चाहता है कुछ बोल दीजिए प्लीज अमृता यू वांट अमृता जी प्लीज अनम्यूट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू It's been an amazing journey and I feel it's a feeling that as a family we have achieved something. So thank you so much whole PSU family team, sir. And I have a message to share. Whosoever has listened to my talk, I mentioned that because of non-communication with my friends, I started wearing white clothes. And today only I happened to talk to them after 5 years. And I wanted to, I asked them, okay, do you know what were the reason? So that, like, no, we don't know the reason. So my message is that always communicate and love public speaking. Choose public speaking because wo aapko apne kareeb le aata hai. Thank you so much. Oh, oh. So sweet. Hello. Fantastic. So sweet. And I want to say something. Hello. Hello. Yes, Shivani ji. Hello, Balaji. Hello. Ha ha ha! आवाज आ रही है, आ रही है. जल्दी जल्दी बोलो, बोलो, बोलो. सब सबकी तरह मुझे भी ऑथर शेरी सर का आपका कारा मैम का थैंक्स बोलना है मुझे बस इस जर्नी में सबसे ज्यादा जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में लगी या जिसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ आई बीन मेडिकल मैंने कभी अपने मेडिकल लाइन से आगे कुछ देखा ही नहीं जब भी सोचती थी यही सोचा होता था कि हाँ मुझे ये फेलोशिप करनी है मुझे ये करना है हमें ये नया सीखना है बट मैन आई ज्वाइन दिस कोर्स आई ज्वाइन पर से मतलब एक ऐसे ही था कि करना है क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे अंदर बहुत सारे फियर है मुझे स्टेज पे जाने का एक डर था जो जिसको शायद मैं कहीं ना कहीं चाहती थी कि वो निकल जाए वो चीज यहाँ पे ज्वाइन करके मुझे लगा कि हाँ शायद मैं कुछ थोड़ा सा कर सकती हूँ अपने प्रोफेशन के आगे कुछ हो सकती हूँ लाइफ में उसके अलावा जब से मतलब आफ्टर 10th मेडिकल 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 फिर डॉक्टर बन गए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली एक अच्छे कंसल्टेंट भी बन गए सब हो गया बट अब ये करके लग रहा है कि इसके अलावा भी लाइफ है जो आप जी सकते हो थैंक यू सर आपने मुझे लाइफ का एक नया एस्पेक्ट दिखाया थैंक यू सो मच Tushari sir and Kara ma'am, can I also say, can I say? Hey RJ, open your camera. I am unwell, I can't put on the camera today, I'm sorry. Oh-ho.
तो आरजे वैसे भी रेडियो में सुनते हो, तो प्लीज अपने स्टाइल में एक बार इंट्रोड्यूस कर दो एंड देन वी विल मूव इन. The Punjabi boy RJ Harnatkar, all the way from Mumbai. Little low today, but author Sherry sir and Kara ma'am, thank you so much for gifting us this wonderful family. And it has been a great learning from each one of you out there. Thank you for this family. And ye 30 days ek habit lag gayi thi. So I'm going to miss making some videos now every day. Although I keep making videos, but ye jo har roz banana tha na topic aata tha. It has been great. Thank you so much. Lots of love to everybody, the entire PSU family. Thank you, Harneet. You being unwell, but coming from you means a lot. Thanks for the acknowledgement. Thanks for joining us today, even you're not well. God bless you. Wish you a spirit of day. Thank you, sir. Thank you so much and get well soon. And हम लोग और भी कुछ प्रोग्राम्स लेकर आने वाले हैं, बहुत जल्द. स्टे ट्यून्ड दोस्तों, फेसबुक पे आप पब्लिक स्पीकिंग यूनिवर्सिटी को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए. और मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया शहरी भाई से कि भाई जल्दी से अपना कोर्स लॉन्च करो, और लॉन्च हो चुका है. यू नो स्टार्टिंग फ्रॉम 25th August इज स्टार्टिंग दिस बैच. ऑलरेडी काफी सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कुछ पेंडिंग है, ऑन द वे है. Author Sherry sir, if you could tell the names of the people. Yeah, Omar, so, what we will do is that we're going to create a and be part of a VIP group, and we're going to do that for sure. Yeah. All right, dosto, and finally, ab kuch music ho jaye. Finally, yeah. All right, so time has come. Anoop ji, over to you. Stage is all yours. Thank you, Jide sir. थैंक यू सैरी सर, आपका इतना सारा प्यार मिल रहा है और सुन के बड़ा मजा आ रहा है. एक्चुअली मेरे तो काफी चीजें ऊपर से निकल गई, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुन के, लग रहा है एक परिवार बैठा हुआ है पूरा. आइए मेरी तरफ से कुछ सॉन्ग चलते चलते अब लास्ट जैसे चले जाए, तो लास्ट में आपके लिए कुछ हमारे गौरव जैन सर है, उनकी एक रिक्वेस्ट थी एक सॉन्ग उनके लिए. मैं एक मेरी भी रिक्वेस्ट है अनूप, हम रहे याद आएंगे ये पल. ओके सर, जितना मुझे तैयार है मैं पक्का सुना. और मेजर साहब को भी जय हिंद. मेजर साहब से मेरी दूसरी बार मुलाकात हो रही है, आपसे भी सर मैं मिल चुका हूँ भाई. शुक्रिया जैन, जैन आपको भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. गौरव सर आपके लिए. रुक रहा है हमको जमाना, दूरी ही रहना पास ना रुक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना पास ना. दिल को मगर कोई कैसे समझा, तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हम तेरा हो जाए. रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हम तेरा हो जाए. रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है. रात नशीली मत समा है, आज नशे में सारा जहां है. हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हम तेरा हो जाए. Whoa, 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 hey, hey. आँखों
से आके मिलती है ऐसे बेचैन होके तू बामे जैसे आंखों से आके मिलती है ऐसे बेचैन होके तू बामे जैसे मौज कोई साहिल से टकराए ये शायरी सर की रिक्वेस्ट थी हम ओ गिर मेरी
हीर मेरी तू अच्छी है, तेरी आंख घड़ी पर नमना हो, मैं मरता था जिस मुकड़े पे उसका उजाला तमना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। संदेश आते हमें तड़पाते वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे आप गगन चुम्बी इमारतें खड़ी करें, ऐसी बुलंदियां हासिल करते रहें हमारी तरफ से एक छोटे से। थैंक यू अनूप, लाइकवाइज गॉड ब्लेस यू, आई विश द सेम फॉर यू ब्रदर। एंड थैंक यू मेजर भाई, अली भाई फॉर यू नो जॉइनिंग अगेन, यू आर अमेजिंग, सो ग्रेट 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 एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय, बाय बाय, ओके, गुड नाइट, नाइट, बाय बाय एवरीवन।